चलिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्या कि कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सर, ब्लाइंड गेम है, अगर आप इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट है, ये ध्यान रखना है। प्लस सर, ये रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन क्यों करते हैं? तो बस अभी मुझे पीओईएम का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उसके बाद आपको जब मैं यहां लेके जाऊंगा इस चार्ट में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5, तब पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। बेसिक लेवल पे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन पहले करते हैं और उसके बाद उसका पर्पस पता चलता है कि हाँ, क्या टैक्सेबिलिटी आएगी अगर मैं रेसिडेंट हूं और क्या टैक्सेबिलिटी आएगी अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं। एक इंडियन कंपनी को अगर हमने रेसिडेंट कह दिया बाय डिफॉल्ट, तो मालूम है क्या होगा? एक इंडियन कंपनी जिसको हमने बाय डिफॉल्ट रेसिडेंट कह दिया, अब इस इंडियन कंपनी का ब्रांच इंडिया में तो है ही है, अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो तो इसको इंडिया में टैक्स देना होगा। एक कंपनी अगर रेसिडेंट है, यानी इंडियन कंपनी, तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी, लाइक आरओआर। जो टैक्स ट्रीटमेंट हम लोग इंडिविजुअल में आरओआर के लिए करते हैं कि अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, आरओआर हैं, तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, वही चीज हम इंडियन कंपनी के लिए करते हैं अगर वो रेसिडेंट है, राइट? और वही चीज हम लोग फिर फॉरेन कंपनी के लिए भी करेंगे अगर ये रेसिडेंट निकल जाए एज पर पीओईएम। अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसी प्रीवियस ईयर में इंडिया में हुआ, तो वो रेसिडेंट, और जैसे ही रेसिडेंट होगी उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। यानी फिर से वही कोशिश रहेगी हमारी पढ़ते समय कि हम रेसिडेंट ना बने। ऑल द वी आर इंडियंस, हम इंडिया का भला चाहेंगे, रेसिडेंट बनेंगे, टैक्स पे करेंगे तो इंडिया का भला ही होगा, टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, रेवेन्यू ही आएगी। लेकिन आप एज अ टैक्स पेयर और मैं आपका टैक्स कंसल्टेंट, हम दोनों यही चाहते हैं कि किस तरीके से इंडिया में हम टैक्स कम दें। और कम देने के लिए आपको इस चैप्टर में कम से कम क्या बनना पड़ेगा? नॉन रेसिडेंट बनना पड़ेगा। तो सर, सीखेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे इंडिया में कहलाता है, और हम अल्टीमेटली कोशिश करेंगे कि हमारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में फॉल ना करे। यही तो है। तो देशभक्ति यहां पर नहीं दिखाई जाती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या, इस पेपर में ही देशभक्ति नहीं दिखाई जाती है। टैक्सेशन पेपर, डायरेक्ट टैक्स में अगर आप देशभक्ति दिखाएंगे, यानी टैक्स ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, तो क्लाइंट भी जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, और इधर तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक? हाँ, देशभक्ति कब है? जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं। आप टैक्स प्लानिंग कीजिए, टैक्स इवेजन मत कीजिए, और टैक्स अवॉइडेंस। तो चलिए, हम और आप पढ़ लेके स्मार्ट बन गए, तो लॉ का लूप फॉल निकाल के हम लोगों ने क्या किया? टैक्स अवॉइडेंस किया, विच इज अ शॉर्ट टर्म इन नेचर, फ्यूचर में कभी भी लिटिगेशन में आ सकता है, कभी भी लॉ चेंज हुआ तो हमें टैक्सेशन देना पड़ सकता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, जिसमें सबसे खराब कौन है? टैक्स इवेजन है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एनीवे, यहां लिखिए अब रेफर पेज नंबर AA.1। जैसे ये सीरीज है ए की, वैसे आगे जाएंगे तो AA आएगा। वहां पर पूरा वो नोट्स जो है 8-10 पेज का, वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डील करता है। सर, कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन केस ऑफ इंडियन कंपनी नहीं देखते। इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी? जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ हो एंड जिसकी हेड ऑफिस कहां हो? इंडिया में हो। कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी मींस फॉरेन कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इस ईयर में इंडिया में हुआ तो रेसिडेंट। क्या सर, ये जो कॉन्सेप्ट आप अभी हमें सिखाओगे, हर साल के लिए अलग अलग देखना है? वंस अ रेसिडेंट ऑलवेज अ रेसिडेंट? नहीं सर, हर साल के लिए अलग अलग देखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस एक एक्टिविटी है, एक एनुअल एक्टिविटी है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिनेशन एक एनुअल एक्टिविटी है, 5 साल की योजना नहीं, और न ही इसे हम मंथली बेसिस पर करते हैं। एनुअल बेसिस पर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए तय करेंगे कि आप रेसिडेंट हैं या नहीं है। रेफर, यहां पे लिखिए रेफर पेज नंबर AA.1। चलिए AA.1 में चलते हैं। ये 55-56 पेज है यहां पर, ए जो सीरीज है ना, ये देखिए 56 पेज है ए सीरीज की। ये जो ए सीरीज है 56 पेजेस हैं। उसके बाद आप आइए तो आपको ये आ गया AA.1, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यूनिक फॉर फाइनल सिलेबस। जैसे आपने गार का कॉन्सेप्ट पढ़ा,
अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक चीज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप अपने सिलेबस में बहुत सारी यूनिक चीज पढ़ रहे हैं जो फाइनल लेवल पे पहली बार आप एक्सपोजर ले रहे हैं। हाँ, आई एग्री कि आपका जो ट्रेनिंग चल रहा है या जो आगे ट्रेनिंग चलेगा, शायद उसमें ये सब एक्सपोजर ना मिले अनलेस कि वो बहुत अच्छी टैक्स फर्म हो। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने भागना पड़ेगा, इंटरव्यू बहुत सारे, मतलब मैं कहता हूं कि 20 इंटरव्यू अगर दोगे टैक्स फर्म में तो एक जाके क्लिक करेगा। टोटल 20 इंटरव्यू नहीं, जो बेस्ट टैक्सेशन की फर्म्स हैं जिसमें आप जाना चाहते हो अपने कैरियर के लिए, उसमें इंटरव्यू दोगे तो हो सकता है एक में क्रैक हो या उसमें भी ना हो, लेकिन लर्निंग बहुत मिलेगी। सर, मैं सभी फर्म में जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं जहां टैक्स का काम है, नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ बेस्ट 20-20 CA फर्म्स और CMA फर्म्स। सर, टैक्स का काम सीखना है, राइट? हमें टैक्स का काम सीखना है, हम CMA कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी CMA फर्म, लेकिन कुछ काम है जो CMA फर्म में नहीं मिल सकता, हमें बिग फोर में जाना पड़ेगा, उसके बाद के टॉप 10 टॉप 20 फर्म्स में जाना पड़ेगा जिसको मेनली CA लोग चला रहे हैं, जिसको मेनली CA लोग चला रहे हैं टैक्सेशन फील्ड में, हमें वहां जाके काम सीखना पड़ सकता है। एक होता है इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना, वो कर लेंगे, और एक होता है अपने कैरियर को स्ट्रांग बनाने के लिए सही लोकेशन पर जाके काम सीखना, वो हमें सीखना पड़ेगा। सर, एक होता है इंस्टीट्यूट की फॉर्मेलिटी वाली ट्रेनिंग, वो हमें करके, वो खाना पूर्ति करके अपने को मेंबर बनाना है, अपने को एग्जाम के लिए एलिजिबल होना है, हमें वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग कहती है कि तुम 15 महीने की ट्रेनिंग लो और एग्जाम में अपियर करो, और है ना, फिर है ना वैकेंसी निकलती है ONGC में या फिर भेल में और या फिर किसी CMA फॉर्म में, दैट इज देयर, हम वो करेंगे, उसके बिना हमें है ना एग्जाम देने नहीं मिलेगा, बट हमें जो लर्निंग मिलेगी उसमें हमारा एम्प्लॉयर कोई और है जहां से हम लर्निंग सीखेंगे जो हमारे कैरियर को आगे लेके जाएगा। ठीक है, आप फाइनेंस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपको फाइनेंस के SFM के टीचर गाइड करेंगे, मैं टैक्सेशन का टीचर, मैं अपने हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, सबके बारे में सुनने के बाद डिसीजन आपका, प्लस आपका इंटरेस्ट किधर है, इंटर लेवल में आपका किधर इंटरेस्ट था, अब फाइनल लेवल में आपका रुझान किधर हो रहा है, ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिट टाइप की चीजों में, या फिर आपका फाइनेंसिंग वाली चीजों में जिसमें आपको SFM के टीचर शेयर मार्केट में भी ले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इंटरनेशनल CFA। सर, वो इंटरनेशनल CFA की ओर ले जाते हैं और हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की ओर ले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम आपको एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दे रहे हैं। आप मेरी कस्टम की क्लास में आओ, आप मेरी कस्टम की क्लास में आओगे तो मैं आपको MBA इन इंटरनेशनल ट्रेड और W2A के कोर्स के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा हमारा फ्यूचर कितना अच्छा है, और इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी के केसेस, सेफगार्ड ड्यूटी के केसेस को लर्न करना वहां वो बताऊंगा। डायरेक्ट टैक्स की क्लास में मेरे सामने एडवांस रूलिंग है, मैं वो बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए मिलते हैं क्लाइंट से। आप मेरी कस्टम की क्लास में आओ, वहां मैं बताता हूँ, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी पर काम करो, 5-5 लाख रुपए लो क्लाइंट से, GST में अलग बताता हूँ। सर, जो टॉपिक चल रहा होगा मुझे उसके हिसाब से अपनी गाइडेंस को चेंज करना है। आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखिए, आप अपनी अपॉर्चुनिटी देखिए, आप अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखिए। जैसे हम टीचरों से मिलके आपको कुछ तो पता चलता है पढ़ाई के अलावा, वैसे ही 10 CMA फर्म चलाने वाले लोगों से मिलिए। आप CMA कर रहे हैं तो 10 CMA फर्म वाले चलाने वालों से मिलिए, आप CA कर रहे हैं तो 10 CA से मिलिए जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और या फिर है ना प्रैक्टिस फर्म चला रहे हैं। और ये टॉपिक कॉमन है, CA फाइनल में भी है एज वेल एज CMA फाइनल में भी है। सर, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं इस एरिया से, जैसे पीछे गार का टॉपिक था वहां से भी आप एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं, एडवांस रूलिंग का टॉपिक था एक क्वेश्चन वहां से उम्मीद कर सकते हैं, DTAA का क्वेश्चन तो कॉमन है। तो आप देखिए अभी जो फिलहाल सर, अगर मैं CMA इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वो थोड़ा सा कम फोकस करती है POEM के कॉन्सेप्ट पे, एग्जाम पूछने में फ्रीक्वेंसी 4 साल में 1-2 क्वेश्चन पूछेगी। MTP में जो इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज होती है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता POEM का, CMA इंस्टीट्यूट की बात कहूँ तो। लेकिन CA इंस्टीट्यूट की बात कहूँ तो उनके RTP जब रिलीज होती है, MTP जब रिलीज होती है मॉक टेस्ट पेपर, तो उसमें गार के क्वेश्चन भी होते हैं, POEM के क्वेश्चन भी होते हैं और एग्जाम में पूछते भी हैं। 4 साल में वो 4 बार पूछेंगे, हमारी इंस्टीट्यूट 1 बार पूछती है, स्टिल पूछती तो है,
सिलेबस में तो है, तैयार तो करना पड़ेगा। सर, जो 50 मार्क्स का सिलेबस था फाइनल में, तब तक मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ाता था। बच्चे पढ़ते थे, बच्चे मुझसे झगड़ा भी करते थे कि सर आप ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाते हो, हम फाइनल में आ गए हैं। मैं बोलता था नहीं पढ़ाऊंगा, 50 मार्क्स में है ही नहीं आपके स्कोप में। बोले नहीं सर, वो सीए के टीचर तो पढ़ा रहे हैं। बोला वो सीए के टीचर 100 मार्क्स के सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वहां तुम जाके पढ़ो 50 मार्क्स वाले, उसमें मेरी क्या गलती है। ऐसे में जवाब देता था 2015 में, 16 में, 17 में, 50 मार्क्स वाले सिलेबस में। जिस समय 100 मार्क्स का सिलेबस हुआ, डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर आपका जो पेपर 14 है ग्रुप 3 में, जैसे ही ये 100 मार्क्स का हुआ, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सर पढ़ाऊं कब, जब आपके लिए रेलेवेंट हो तब ना। कोई पढ़ा रहा है तो मैं भी पढ़ाऊं, ऐसे नहीं होता है। कोई बच्चा फाइनल वाला ही पढ़ रहा है, बट वो सीए फाइनल वाला पढ़ रहा है भाई। उनके स्टडी मैट में, उनके आरटीपी में, उनके मॉक टेस्ट में, उनके सजेस्टेड आंसर में देखोगे तो पता चलेगा पीओईएम उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक बार बहुत बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पढ़ने को और भी बहुत चीजें हैं, ऐसे चलता है, फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। एनीवे पढ़ तो रही हम लोग। सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे पहले दो पेज में काम की बात है, हमारे पास पहला जो दो पेज है उसी में काम की बात है, लेकिन अब तीसरे पेज में ना डायरेक्टर मीटिंग्स और इफेक्टिव मैनेजमेंट और बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड जो बात चालू होती है कि बोर्ड मीटिंग्स की लोकेशन क्या है, प्लेस क्या है जहां पर डिसीजन लिए गए, उस पर जब बात चालू हो रही है तो वो पेज नंबर 4 भी ले जा रहा है, पेज नंबर 5 भी ले जा रहा है, पेज नंबर 6 भी ले जा रहा है, पेज नंबर 7 भी ले जा रहा है। देखिए पेज नंबर 8 में जाके हमारे काम की बात फिर आती है, कुछ एग्जांपल्स, यानी बीच में पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग पढ़ेंगे तो इसी क्लास में पढ़ेंगे, दोबारा मत पढ़ना। बस मैं समझा दूंगा कहां पे किस पैराग्राफ का ध्यान रखना है, बस उतना ही हाईलाइट करके आगे बढ़ना है आपको। सर गवर्नमेंट की तरफ से ना सर्कुलर इशू हुआ और उसमें सिचुएशन दिए गए कि किस सिचुएशन में हम क्या मानेंगे कि बोर्ड मीटिंग्स कहां हुई है, इंडिया में हुई है या इंडिया के बाहर हुई है, हेड ऑफिस में हुई है या किसी दूसरे प्लेस में हुई है, इस तरीके से, राइट। तो वो एग्जाम्पल सब दे रखे हैं वहां पे, कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन दे रखा है। हमें एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना है पीओईएम का, उसके लिए हमारा जो पहला दो पेज है एए सीरीज का, उससे हमारा काम चल जाएगा, और उसके बाद फिर लास्ट में एग्जाम्पल्स। अब जैसे ये सर्कुलर है, अगेन किस पर है, बोर्ड मीटिंग्स पे कुछ क्लारिफिकेशन दे रहा है, मैंने दे दिया। आप बच्चे ये ना बोले कि सर हमने तो एक सर्कुलर भी सुना था, सर्कुलर 25, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। सामने में है, डिस्कस कर दूंगा, डिस्कस करने के बाद वहीं पे इग्नोर भी कर दूंगा, बता दूंगा आपको। मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हम 10 पेज, 11 पेज और फिर 12, 13 पे एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्स ओरिएंटेड चालू हो गए, एग्जाम्स ओरिएंटेड एग्जाम्पल चालू हो गए, ठीक। 14 नंबर एग्जाम्पल का ही पार्ट है, 15 नंबर एग्जाम्पल है, लास्ट के 4 पेज में जो 2 एग्जाम्पल है वो हमने उठाए पीओईएम के, और अभी तक ऐसे एग्जाम्पल सीएमए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे हैं। तो इसीलिए सोर्स में आपको क्या लिखा हुआ है, सीए फाइनल एग्जाम्स नवंबर 2018 और सीए फाइनल एग्जाम्स आरटीपी। सर 2020 की आरटीपी के क्वेश्चन है, सोचिए आपका स्टडी मैट कितना अपडेटेड है। इस साल का अपडेटेड स्टडी मटेरियल इतना अपडेटेड कि हमने इस साल की आरटीपी तक ले रखी है इसमें। तो थोड़ी मेहनत तो की है सर 10th एडिशन में। मेरे हिसाब से अगर बच्चा मेरी बुक को 2 बार बना लेता है और मेरे इस बुक के क्वेश्चंस को बना लेता है 2 बार, 5 वॉल्यूम में, अगर बच्चा सिर्फ 5 वॉल्यूम में रहे और हमारी टेस्ट सीरीज में रहे, कहीं नहीं जाने की जरूरत उसको, स्टडी मैट में, वर्कबुक में। लास्ट में मैंने कहा कि 10 घंटे देके वर्कबुक लगा लेना, वर्कबुक के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लेना लास्ट में जब आपका यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये मैंने कहा है। बट आपने देखा मोस्टली क्वेश्चन मैंने ले लिया है, वर्कबुक बनाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं एग्जाम में अपीयर कर रहा हूँ सीएमए इंस्टीट्यूट की वर्कबुक के सारे क्वेश्चन बना के, बना लो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना बनाओगे तो भी चलेगा। बट मैंने 8th एडिशन 9th एडिशन से बहुत डबल की मेहनत की है अपने 10th एडिशन की बुक में, क्वालिटी क्वालिटी वाले क्वेश्चन लिए हैं, चाहे वो मैट के हो, एएमटी के हो, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के हो, बिजनेस ट्रस्ट के हो, गार के हो या फिर पीओईएम के हो, बेस्ट कलेक्शन देने की कोशिश की है।
अब है कि इंस्टीट्यूट पूछता है या नहीं, आपके सिलेबस में है सर ये है, तो लास्ट के जो चार पेज पे दो क्वेश्चन है तो वो चार पेज काउंट क्यों करते हो आप? यानी अराउंड 16-17 पेज जो हमारा पीओईएम का है उसमें सिर्फ हमें दो ही पेज पर ज्यादा ध्यान देना है, दो पेज से हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बीच में सारी ज्ञान की धारा है जिसको इग्नोर करना है। तो बी रिलैक्स, हम आज 2 घंटा देंगे इस टॉपिक में लेकिन रिविजन आपका मात्र 15 मिनट है, हम इसमें 2 घंटा देंगे, शायद 3 घंटा लग जाए लेकिन रिवीजन में मात्र 15 मिनट में आपका पीओईएम का एग्जाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और एग्जाम की रात में 10 मिनट आप इस चैप्टर को देखे, थोड़े से की पॉइंट्स हैं उसको देखना है कि अगर एग्जाम में पीओईएम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए, ठीक। चलिए सर, तो डरना नहीं इस 16-17 पेज से, इन 16-17 पेज से डरना नहीं है आपको, 18 पेज है बताओ, 18 पेज को रीड करने में जो भी टाइम लगे, रीड तो आपके सामने करना ही है मुझे, ठीक, लेकिन इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए कितना है, 2 पेज 15 मिनट का, ऊपर में ही लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन ओनली 2 पेज इज रेलिवेंट एंड 15 मिनट्स रिवीजन टाइम फॉर एग्जाम इस 16 पेज में से, लिख लीजिए तो एक सेटिस्फेक्शन देगा, इनर सेटिस्फेक्शन। आइए सर, गार में जैसे पढ़े थे कि अगर आप टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ और उससे कम का ऑप्टेंड करते हैं तो गार के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, वैसे ही पहली लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, पीओईएम गाइडलाइंस जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी हैविंग अ टर्नओवर और अ ग्रॉस रिसीट्स ऑफ 50 करोड़ और लेस इन अ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में उसका ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर 50 करोड़ और लेस होगा, हम पीओईएम की गाइडलाइंस और कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे। बिना इसके गाइडलाइंस और कंडीशंस को फॉलो किए ये देखने की कोशिश करेंगे कि जनरली उस फॉरेन कंपनी का बिजनेस डिसीजन, डायरेक्टर्स डिसीजन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टाइप का चीज, की मैनेजमेंट डिसीजंस कौन ले रहा है, कहां ले रहा है, बस गाइडलाइंस जो है परसेंटेज वाली जो पढ़ेंगे वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपका टर्नओवर अगर 40 करोड़ है तो आप फॉरेन कंपनी सीधा एनआर आंसर है, नहीं, 40 करोड़ के टर्नओवर वाली फॉरेन कंपनी भी रेसिडेंट हो सकती है, खाली पीओईएम की डिटेल्ड गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं करनी है। एक बात और लिख लीजिए ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फॉरेन कंपनी रेसिडेंट है एज पर पीओईएम गाइडलाइंस, रेसिडेंट है, रेसिडेंट होगी तो क्या होगा, ग्लोबल, रेसिडेंट होगी तो क्या होगा, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, नहीं तो आप कॉपी पे ही आज आ जाओ, कुछ कुछ एग्जांपल्स कॉपी पे भी चलेंगे, मान लीजिए कॉपी पे नहीं आते तो पेज नंबर 56 मुझे ब्लैंक दिख रहा है आपके बुक में, आपके पास जो बुक है पेज नंबर 55 एंड 56 ब्लैंक दिख रहा है मुझे, आप उसको यूज कर सकते हैं, और नहीं तो कॉपी पे आ जाइए, नहीं तो पेज नंबर 12 भी ब्लैंक है आपका, पेज नंबर 17 भी ब्लैंक मैंने दिया, आसपास थोड़ा थोड़ा ब्लैंक है, चलिए जहां भी नोट कर रहे हैं आप, रजिस्टर ही आज की डेट का खोल लीजिए, आज की डेट, आज की क्लास पीओईएम एनआर टैक्सेशन 3 श्री गणेश करते हैं स्टार्ट, है ना। सर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, रेसिडेंट हैं आप और हैं तो फॉरेन कंपनी, तो बोला सर टैक्स रेट क्या लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को 40% पे सॉल्व करेंगे, 30% नहीं कर दीजिएगा, है तो आप फॉरेन ही कंपनी, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है 40, सर रेसिडेंट बनाने से, फॉरेन कंपनी को आप रेसिडेंट बनाने से उसका रेट चेंज मत कर दीजिएगा,
टैक्सेबिलिटी चेंज होगी, फॉरेन कंपनी अगर रेसिडेंट हो जाएगी तो उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, इंडिया और इंडिया के बाहर की इनकम, लेकिन टैक्स रेट तो उसको कितना देना होगा, 40 ही देना होगा। ठीक है, ये लिखिए। दो लाइनें लिखा रहा हूं जिस पर हमारा पूरा आधार है अब डिस्कशन का, वो दो लाइनें लिख लीजिए, रजिस्टर पे आ जाइए। दो लाइनें जिसका हमारा आधार है, जो हमारे अब डिस्कशन का आगे आधार बनेगा, वो मैं लिख रहा हूं आपके लिए। लिखिए फिर मैं समझाता हूं। तीन लाइन चार लाइन लिखाऊंगा यहां पे। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन केस ऑफ अ कंपनी, एक लाइन आ रही है अब, एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ये फ्रेज अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी पर हमें काम करना है अभी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो पिछले सेशन में लास्ट में आ ही गया था, पीओईएम। इन केस ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी कौन है, फॉरेन कंपनी। अ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन केस ऑफ अ कंपनी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी आउटसाइड इंडिया इफ द मेजोरिटी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the company are held outside India। ये आपको तीन से चार लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। मैंने क्या बोला, बीच में जो 6-7 पेज का ज्ञान है वो इसी पर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स। सर किसी भी कंपनी का जो मालिक होता है, कहा क्या जाता है जो कंपनी का मालिक है वो कौन है, शेयर होल्डर। लेकिन फैक्ट आप भी जानते हो, शेयर होल्डर जब शेयर खरीदता है तो उसको सिर्फ डिविडेंड से मतलब होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 10 शेयर्स खरीद लीजिए, 100 शेयर्स खरीद लीजिए, 1000 शेयर खरीद लीजिए, 1,00,000 शेयर खरीद लीजिए, क्या आप मुकेश अंबानी के बगल में बैठ पाएंगे? ओनर तो वही कहलाएगा, डिसीजन मेकर वही है। सर हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि कंपनी का मालिक ओनर शेयर होल्डर होता है, ठीक है, लेकिन सर डे टू डे जो मैनेजमेंट, डे टू डे जो बिजनेस अफेयर्स को कंट्रोल करने का काम है वो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करती है।
आप कंपनी के इन्वेस्टर हैं, आप कंपनी के ओनर हैं, लेकिन कंपनी के ताले की, कंपनी नाम के ताले की चाबी, कंपनी कल को बिजनेस क्या करेगी, राइट शेयर इशू करेगी या नहीं करेगी, डिविडेंड देगी या नहीं देगी, फैक्ट्री को खोलना बंद करना, इंडिया में बिजनेस करना नहीं करना, ये सारे डिसीजन मेकिंग का काम बोर्ड मीटिंग्स में बोर्ड करती है। उसके लिए रिजोल्यूशन पास होता है, कुछ जनरल रिजोल्यूशन होते हैं, कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन होते हैं, कुछ जगह पर शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है कंपनीज एक्ट के थ्रू, बट फिर भी जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का, वो शेयर होल्डर के पास नहीं होता। शेयर होल्डर शेयर्स खरीद के सिर्फ कैपिटल गेन के बारे में सोचता है, डिविडेंड के बारे में सोचता है और एक एजीएम में वोटिंग के बारे में सोचता है। हर साल कंपनी के इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो देखेगा, थोड़ा बहुत देखेगा तो देखेगा, बोलेंगे सर मैं अगर 20% शेयर खरीद लूं किसी कंपनी का, तो भैया अगर तुम किसी कंपनी के 20% शेयर खरीद लोगे, तुम राकेश झुनझुनवाला हो, तो तुमको तो मैं पहले ही इनवाइट कर लूंगा कि आ जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तुम भी डायरेक्टर बन सकते हो, तुम भी मैनेजमेंट का पार्ट बन सकते हो, तुम्हारे पास अब उतने राइट्स आ चुके शेयर होल्डर के अलावा। 10-12% छोड़ दो, 5-6% पे ही अगर आप किसी कंपनी का 5-6-7-8% भी अगर आपने शेयर्स मार्केट से खरीद लिया, तो ये पेपर में न्यूज़ बन जाती है और कहीं ना कहीं आपके पास इनविटेशन आ जाता है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में आप एज अ डायरेक्टर आ सकते हैं, जितनी मुझे समझ है। ठीक है, 5-6% पे ही ना हलबली खलबली मचने लग जाती है प्रमोटर्स ग्रुप में, मैनेजमेंट में, कि ये भाई ये कौन सा बंदा है जो इतने कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, कल को तो फिर ये मैनेजमेंट में हिस्सेदारी भी मांगेगा और हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अगर किसी भी पर्सन ने इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, तो हमें उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास कंट्रोल नहीं आएगा, आप शेयर होल्डर रहिए। तो ये जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, हो सकता है बोर्ड ऑफ मीटिंग्स नाम की होती हो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग्स, वो नाम की होती हो, एक्चुअल पावर किसी और के पास है, तो उस केस में हम कैसे देखेंगे मीटिंग्स कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, कि नरेशन और बातों में नहीं जाओ सर, बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली, इसमें नहीं जाओ, बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड इन दिल्ली के अंदर डिसीजन लेने वाले लोग कौन थे और वो लोग एक्चुअली कहाँ रहते हैं। ठीक है, हो सकता है बोर्ड मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन उसमें एक डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी था और वो साउथ अफ्रीका में था, और अल्टीमेटली उसी को डिसाइड करना था कि इंडिया में किस तरीके से बिजनेस चलेगा सर। तो हमें वो सारी बातों के एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जाम के लिए भी। लेकिन फॉरेन कंपनी को इंडिया का रेसिडेंट बनाने के लिए हम उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे, सिर्फ इतना ही कहा है ऊपर में, कहता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर उसका इंडिया में हो तो रेसिडेंट है, लेकिन फाइनली इंडिया में हो कहने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं, और उसके बोर्ड मीटिंग्स में मेजोरिटी मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया हो रही है या नहीं। सर, हम किसी इंडियन कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक साउथ अफ्रीकन कंपनी, एक सिंगापुर की कंपनी, एक दुबई की कंपनी की बात कर रहे हैं। बोला सर सिंगापुर की कंपनी होगी तो उसके डायरेक्टर मीटिंग्स तो सिंगापुर में ही होंगे ना, तो ठीक है ना, तो फिर एनआर कहो ना मालिक, एनआर कहो। सर आपने दुबई में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, उसमें तीन डायरेक्टर थे, तीनों इंडियन थे और तीनों इंडिया में ही रहते हैं, ठीक, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं बोर्ड मीटिंग बाहर हो रही है। एंड उस कंपनी में 20 एम्प्लॉय में से 18 एम्प्लॉय इंडिया में काम करते हैं, तो हुआ कि नहीं हुआ, दुबई की कंपनी डमी कंपनी हुई कि नहीं हुई। मैंने 400-500 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जनरेट की, दुबई में कंपनी डाली, उसका डायरेक्टर भी इंडियंस हैं, इंडिया में ही रहते हैं, और उसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं 20, उसमें से दो वहां पर है खाली जो सुबह शाम ऑफिस को खोलते हैं, कोई चिट्ठी रिसीव कर लेते हैं, बाकी 18 एम्प्लॉय इंडिया में ही फैले हुए हैं। तो तुम कहते हो आम अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, है आप कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन आज की क्लास में तुम्हारे मेजोरिटी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स भी इंडिया में ही हो रहे हैं और तुम्हारा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी नहीं है, तो तुम क्या हो फाइनली, रेसिडेंट हो, क्योंकि तुम्हारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। सर बचने का उपाय क्या है,
फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट ही रहे एज पर दिस पीओईएम गाइडलाइंस, वो बताओ सर, वो सुनने में इंटरेस्टेड हो। तो सर दो कंडीशन है इसकी, फॉरेन कंपनी जो बाहर की कंपनी है इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बाहर हो और एनआर हो, इसके दो कंडीशन है। एक, इसका एक्टिव बिजनेस होना चाहिए आउटसाइड इंडिया। बोला सर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय बाहर रहे, बाहर के खर्चे इंडिया के खर्चे से ज्यादा हो। कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो उसका इंडिया में खर्चा कम और फॉरेन में ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली का टीचर हूं, मैं बॉम्बे में भी एक ब्रांच खोलना चाहता हूं, तो जो बॉम्बे में ब्रांच खोलूंगा उसकी एक्टिविटी कम होगी ना। दिल्ली में जो मेरी एक्टिविटी होगी, एडमिशन होगा, एम्प्लॉय होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, वो ज्यादा होंगे ना। और मेरी मीटिंग दिल्ली में ज्यादा होगी, साल में जैसे 5 मीटिंग हुई तो 4 दिल्ली में होगी, 1 बॉम्बे में होगी। मेरा बॉम्बे ब्रांच है, मेन एक्टिविटी नहीं है। बैंगलोर ब्रांच है, मेन एक्टिविटी नहीं है। हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही कोई फॉरेन कंपनी सिंगापुर की एक्चुअल कंपनी है, फ्रॉड वाली कंपनी नहीं है, तो इसका एक्टिव बिजनेस सिंगापुर में ज्यादा होगा, इंडिया में कम होगा। प्लस बोर्ड मीटिंग्स इसकी इंडिया में कम होगी, सिंगापुर में ज्यादा होगी। तो हमें अब दो कंडीशन फुलफिल करने हैं। एक, आपका एक्टिव बिजनेस बाहर होना चाहिए। अगर है तो फिर हम आपके बोर्ड मीटिंग्स में से जैसे 8 मीटिंग हुई तो 5 मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए। सर सिर्फ मीटिंग बाहर हो रही है और आपका एक्टिव बिजनेस बाहर नहीं है तो हम आपको नॉन रेसिडेंट नहीं कहेंगे, रेसिडेंट बनाएंगे। पीओईएम की गाइडलाइंस फेल कर जाओगे। गाइडलाइंस जो आप पढ़ेंगे वो नॉन रेसिडेंट बनाने की गाइडलाइंस है कि हम आपको इंडिया का रेसिडेंट नहीं कहेंगे अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर लो। एक, आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो। दूसरा, आपकी मेजोरिटी मीटिंग इंडिया के बाहर हो। आपकी मीटिंग इंडिया में हो रही है, एक्टिव बिजनेस बाहर है, तो भी हम आपको रेसिडेंट कह सकते हैं। दोनों इंडिया में, तब तो कोई बात ही नहीं। सर दोनों चीज बाहर होनी चाहिए, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक, जिसके 4 प्रिंसिपल है हमें फॉलो करने, 4 पॉइंट है, चारों के आंसर हाँ आ गए। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के अंदर 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट के अगर आंसर हाँ आ गए तो आपका बिजनेस आउटसाइड इंडिया एक्टिव वाला। एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखना है कि आपकी मीटिंग्स ज्यादातर कहां हुई है, वो भी इंडिया के बाहर होनी चाहिए। यानी अराउंड 5 कंडीशंस हैं। एक तो मीटिंग्स का देखना है इंडिया के बाहर हुई या नहीं हुई, और उसके पहले आपका देखना है कि एक्टिव बिजनेस इंडिया में है या इंडिया के बाहर। उसके लिए 4 पॉइंट है, चारों का आंसर फेवरेबल होना चाहिए टुवर्ड्स आउटसाइड इंडिया। एक भी पॉइंट उसमें से फेल नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीजें हाईलाइट कर दी मैंने आपके लिए। एक फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन केस ऑफ अ कंपनी एंगेज्ड इन एक्टिव आउटसाइड इंडिया शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी आउटसाइड इंडिया इफ द मेजोरिटी ऑफ मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। यानी मैं दो कंडीशन कह सकता हूं पीओईएम आउटसाइड इंडिया होने के लिए, एनआर होने के लिए। एक फॉरेन कंपनी एनआर कब कहलाएगी, इसका पीओईएम आउटसाइड इंडिया कब कहलाएगा? एक, पहला कंडीशन, उसका एक्टिव बिजनेस कहां होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया। इसके अंदर अब देखेंगे हम लोग कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। एंड दूसरा, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड डोमी वाला नहीं होना चाहिए, एक्चुअल जिनके पास की डिसीजंस लेने के पावर है। बोर्ड मीटिंग्स में दिखावे के डायरेक्टर हो और असली पावर एक शेयर होल्डर के पास है और वो शेयर होल्डर इंडिया में है, तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इंडिपेंडेंट मीटिंग, किसी का कंट्रोल इस पर नहीं है। और अगर जिसका कंट्रोल इस मीटिंग पे है वो भी बंदा बाहर हो फिर। अगर आप बोलते हो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स पर कंट्रोल किसी और बंदे का है तो वो बंदा बाहर है, वो देखना है। मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अब हम पढ़ेंगे पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, 12 पेज तक जाएंगे, अब मजा आएगा। हमारे माइंड में कुछ बातें अब सेट हो चुकी हैं। अब हमारा काम है सिर्फ क्या देखना, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के 4 पॉइंट्स और थोड़ा सा ज्ञान बोर्ड मीटिंग्स के बारे में। वही डमी कैंडिडेट्स, कंट्रोल एक्चुअल किसके पास है,
कभी कभी एम्प्लॉय के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है, मैं एम्प्लॉय नहीं एक तरह से डायरेक्टर का बायां दायां हाथ हूं, मेरे बिना तो डायरेक्टर भी कुछ नहीं, सारे डिसीजन मैं लेता हूं ऑल्दो मैं डायरेक्टर नहीं हूं। तुम लेते हो सारे डिसीजन, तुम कहां हो, इंडिया में हो, तब तो श्योर शॉट मैं रेसिडेंट बनाऊंगा फॉरेन कंपनी को। सर मैंने क्या कहा था शायद गार की क्लास में, डायरेक्टर बिकते हैं, मिलते हैं किराए पे। तो मैंने दुबई में 10 लाख डॉलर की कंपनी बनाई, ब्लैक मनी है अपने पास, दुबई में 10 लाख डॉलर की कंपनी बनाई और वहां के लोकल लोगों को मैंने वहां का डायरेक्टर बना दिया एक लॉ फर्म की मदद से। पनामा पेपर का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत सारी इंटरनेशनल लॉ फर्म है जो ये अरेंजमेंट करवाती है, रुपए चाहिए खाली आपके पास, वो भी डॉलर वाले। सर मैंने दुबई में कंपनी क्रिएट की, दुबई में कंपनी में डायरेक्टर बनवाए, अल्टीमेटली मेरा पैसा है वहां पे, ब्लैक मनी, और वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। क्या दिखा रहे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, बट अल्टीमेटली मेरा कहीं ना कहीं कंट्रोल चल रहा है मैनेजमेंट में। ये बात पेपर में देखने के बाद, जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स और पेपर के एनालिसिस की, ईमेल वगैरह की, कंपनी के हेड ऑफिस में छापा मारा गया, वहां के पेपर मिले, ईमेल मिला, फोन कॉल्स मिले, वहां के डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया गया कि तुम लोग कैसे इस कंपनी को चला रहे हो, इंडिया में इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर रहे हो, कौन है तुम्हारे पीछे, तब पत्ते और राज खुले कि भैया अपना इंडिया में बैठा पर्सन ये सब कुछ देख रहा है। यानी लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, एक आप कॉरपोरेट स्ट्रक्चर डमी वाला क्रिएट कर रखे हो, फ्रॉड वाला, इंडिया के बाहर। क्या कहा मैंने, जगह भी किराए पर मिलती है, डायरेक्टर्स भी किराए पर मिलते हैं, वो आपके पैसे पर कंपनी क्रिएट करके वहां डायरेक्टर्स बनेंगे, सबको कहेंगे कि हाँ वो डायरेक्टर्स हैं और वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा। जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मुझे कोचिंग चलाना है, मैं अपने पापा के नाम पे चला लूं, मम्मी के नाम पे चला लूं, वाइफ के नाम पे चला लूं। बहुत सारे टीचर्स प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं जाके देखिए ना, जाके आप देखिए, तो बहुत सिंपल है। जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू, बहुत सारे टीचर लोगों ने कंपनी बना रखी है, ठीक, और बहुत सारे टीचर लोगों ने एलएलपी बना रखी है, राइट। आप हमारे यहां एडमिशन ले रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो इस अकाउंट में पैसा डालिए। अब वो अकाउंट नंबर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, एसएटीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बोला हाँ सर एसएटीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ये तो आप ही की है ना, एक बार जाके डायरेक्टर तो देखिए कौन कौन है। आरओसी की वेबसाइट पे 5,500 रुपया खर्च होता है, यस 5,500 या 500 रुपया खर्च होता है, वो ऑनलाइन पे करना पड़ता है, आप उस कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। एक बार देखिए ना कौन से टीचर और कौन से कोचिंग सेंटर कितना कितना फ्रॉड कर रहे हैं। सर भाई बहन मम्मी पापा वाइफ बच्चे सबका नाम डाला हुआ होगा, अपना नाम होगा ही नहीं, खासकर सीए वाले टीचर्स जो प्रैक्टिस करते हैं, और यूट्यूब पे भले कुछ बोले, यूट्यूब पे बोलने में क्या जाता है। किसी भी टीचर किसी भी कोचिंग सेंटर के लेवल को आप चेक करना चाहते हैं, तो आप कहीं भी जो एडमिशन ले रहे हैं, और वो लोग जो आपके कंपनी में बोलते हैं कि इस प्राइवेट लिमिटेड नाम से चेक आप इशू कर दो, ये हमारी कंपनी है, वेबसाइट पे ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं आप, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो बैंक डिटेल आता है, बैंक डिटेल आता है तो उस बैंक के ओनर में कंपनी का नाम आता है, तो बोलते हैं सर हाँ है ना सर आपका है एसएटीसी प्राइवेट लिमिटेड, बट ये किसने कहा कि वो मेरा है, मैं वहां शेयर होल्डर हूं, मैं वहां डायरेक्टर हूं। एक बार जाके तो देखिए, आरओसी की वेबसाइट पे रुपए पे करके कंपनी के अंदर जाके देखिए डायरेक्टर शेयर होल्डर कौन है, पूरा खानदान उठा के रखा हुआ रहता है लोगों ने टैक्स को फ्रॉड करने के लिए। भाई जब मैं यूट्यूब पे हूं, मैं इंस्टाग्राम पे हूं, मैं फेसबुक पे हूं, क्लासेस में मैं हूं, तो कंपनी में मेरे घर वाले कैसे आ गए और क्यों आ गए, समझिए बात को सर। तो क्या करोगे, जब इंडिया में हम ये सब काम कर सकते हैं कि बिजनेस चला रहे हैं हम, और जिस नाम से पर्चियां फट रही हैं, जिस नाम से बच्चों की फीस वीस आ रही है बच्चों से, उस वो जिस कंपनी में आ रहे, उस कंपनी में हम है ही नहीं, उस कंपनी में तो हमारे घर वाले डायरेक्टर और ओनर बने हुए हैं, हम वहां पे क्या है विजिटिंग फैकल्टी। कितने रुपए लेते हैं, 1 रुपया, क्योंकि हमारे और भी बिजनेस है, ऑडिट रिपोर्ट में साइन करने वाला बिजनेस भी तो है। एनीवे सर सच्चाई को क्या बोलना, सर ये सब कर रहे हैं सब, सर कोई सीए करते हैं ये, अरे सीए सीएमए बिजनेसमैन सब करते हैं। एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस ओपन करता है तो अपने घर वालों के नाम पे बिजनेस ओपन करता है, फ्रॉड हर जगह है इंडिया में।
एक डॉक्टर को हॉस्पिटल खोलना है तो वो अपने वाइफ के नाम से नर्सिंग होम खोलता है। एक डॉक्टर को हॉस्पिटल खोलना है तो वो अपने वाइफ मदर फादर के नाम पे नर्सिंग होम खोलता है। सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो, जब वो अपनी प्राइवेट कंपनी और एलएलपी बनाता है अपनी कंसल्टेंसी फी के लिए, तो वो एक बगल में कंपनी क्रिएट करता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। रिसर्च कीजिए, देखिए, आपको देखने को मिलेगा। मैं ही नहीं कर रहा कि खाली मैं ही फ्रॉड कर रहा हूं, पूरा इंडिया ही इस कॉन्सेप्ट में चल रहा है। बिजनेसमैन कभी अपने नाम पे बिजनेस नहीं खोल रहा है, भाभी के नाम पे, चाची के नाम पे, मम्मी के नाम पे खोल रहा है। आपके घर में ही दो चार फ्रॉड हो रहे होंगे। भाभी के नाम पे बिजनेस चल रहा है और सारा काम भैया देखते हैं, मम्मी के नाम पे बिजनेस है और सारा काम पापा देख रहे हैं। तो जब सर इंडिया में ही आप देख रहे हैं नाम किसी और का और कंट्रोल किसी और के पास, तो क्या फॉरेन में ये सब पॉसिबल नहीं है? और सर इंडिया में तो 100 में से 90 केस ऐसे ही हैं। और अगर 100 छोड़िए, अगर 10 कोचिंग सेंटर को आप पेमेंट करते हैं सीए सीएमए सीएस में, और वो अगर कंपनी फॉर्म में चल रही है, एलएलपी फॉर्म में चल रही है, तो जाके देखिए ना पार्टनर और डायरेक्टर्स कौन है। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए वाली बात है। सब कुछ ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, पेमेंट करने वाली बात है। लीगल वे में पता चलेगा एलएलपी कब बनी, एलएलपी एस्टैब्लिश कहां, उसका एड्रेस क्या है और उसमें पार्टनर्स कौन है, कंपनी कहां बनी, कब बनी, कब इनकॉर्पोरेट। ये पब्लिक फिगर है सर, पब्लिक फिगर है। एसएटीसी प्राइवेट लिमिटेड तो मेरा है ही नहीं, मेरा तो सूरज अग्रवाल है। एसएटीसी प्राइवेट लिमिटेड जिस दिन मैं बनाऊंगा उस दिन आपको पता चल जाएगा इसके अंदर डायरेक्टर में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। सर दुनिया गोल है, तो ये जो मैं बता रहा हूं कोई ऐसी चीज बता रहा हूं जिसमें फॉरेन कंपनी फ्रॉड कर रही है, हम इंडियंस फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और क्या ये सब बातें इनकम टैक्स वाले नहीं जानते हैं? सर इनकम टैक्स वाले भी जानते हैं, बैंक्स वाले भी जानते हैं, इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर भी जानता है, लेकिन चलो सब इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। बट फैक्ट तो यही है कि सर अगर पापा भैया बिजनेस को देख रहे हैं तो बिजनेस मम्मी के नाम पे, भाभी के नाम पे, चाची के नाम पे कैसे हो सकता है और क्यों है? पैसा कमाया आपने जमीन खरीदनी हो तो मम्मी के नाम पे, पैसा कमाया आपने जमीन खरीदनी हो तो भाभी के नाम पे, घर खरीदना हो तो मम्मी और भाभी के नाम पे जो हाउस वाइफ है, क्यों? पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। कल को कोई इनकम आएगी तो हम उसको अलग अलग कर सके, स्लैब रेट्स का बेनिफिट ले सके। अल्टीमेटली जिस दिन इनकम टैक्स ऑफिसर को गुस्सा आएगा ना, उस दिन वो सबको जोड़ देगा। जैसे मैं सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास के 3 फर्म बना लूं, एक सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास, एक एसएटीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक एसएटीसी एलएलपी, और आपकी रेवेन्यू को मैं तीनों जगह बांट दूं, 18 लाख 18 लाख 18 लाख, तो मेरा जीएसटी बच गया। 20 लाख तक मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, रेवेन्यू 18 लाख 18 लाख 18 लाख करके 3 जगह बांट दी। लेकिन जिस दिन इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चला और मेरे पीछे पड़ा, वो उस दिन इस तीनों को जोड़ेगा और तीनों को जोड़ के टैक्स लगाएगा लगाएगा, साथ में मैटर रेफर कर देगा जीएसटी वाले को कि तुम भी इस पर जीएसटी लगाओ, ये आदमी 3 नाम से बिजनेस चला रहा है लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल एक ही आदमी कर रहा है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इनकम टैक्स में भी है सर। हाँ जी, इनकम टैक्स में भी है। जब इनकम टैक्स अपने पे आता है तब अच्छे अच्छों की प्लानिंग फेल कर जाती है। चलो तब तक यही सही, लिखिए इसे। लिखिए इसे, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। आइए सर, एक तो एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, हम जो भी गाइडलाइंस पढ़ने वाले हैं उन कंपनी पे नहीं लगाएंगे, उन फॉरेन कंपनी पे नहीं लगाएंगे। कंपनी मींस फॉरेन कंपनी जिनकी रिसीट्स 50 करोड़ और कम है इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब ये गाइडलाइंस क्या कहता है, थोड़ी सी हिस्ट्री है यहां पे, यहां से लेकर यहां तक थोड़ी सी हिस्ट्री है, लिख लीजिए एरो बगल में लिख के हिस्ट्री। पीओईएम की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किसकी जगह हुई, एक्चुअल गाइडलाइंस यहां से है। 5वां नंबर इंपॉर्टेंट कीजिए ये वाला पॉइंट, अगले पेज तक यहां तक इंपॉर्टेंट है ये। पैसिव इनकम क्या है, हेड ऑफिस क्या है, ये एबीसीडी पॉइंट। मैंने कहा था ना 4 पॉइंट्स हैं, मैंने अभी तुरंत लिखाया था यहां पे कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट्स का आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। ये 4 पॉइंट का आंसर पॉजिटिव और आपकी मीटिंग्स मेजोरिटी लेवल पे इंडिया के बाहर, आपका पीओएम बाहर, आप नॉन रेसिडेंट,
फिनिश चैप्टर। बोला सर बस इतना छोटा? मैंने क्या कहा, सिर्फ दो पेज ही आपको ध्यान रखना है, आपके लास्ट के जो दो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे, लेकिन फिर बीच में 8-10 पेज पढ़ेंगे, डोंट वरी, पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, एग्जाम की तैयारी करने बैठेंगे, तो सिर्फ पहला दूसरा पेज पढ़ना है और लास्ट के दो क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम में बैठ जाना है। पढ़िए ये हिस्ट्री क्या कहती है, ब्रेक लीजिए यहां पर, और ब्रेक मतलब ब्रेक नहीं लेना चाहते तो क्लास को रोकिए, अगर आप ब्रेक नहीं लेना चाहते तो क्लास को रोकिए, और क्लास को रोक के इस फर्स्ट पेज की रीडिंग कंप्लीट कीजिए। चलिए, क्या पढ़ा आप लोगों ने, क्या समझा? सर मैंने बोला था कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अडॉप्ट किया। किसके लिए अडॉप्ट किया? इंडियंस के लिए थोड़ी ना अडॉप्ट किया, फॉरेन कंपनी के लिए जिनको उस कॉन्सेप्ट की आदत थी। सर हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किस पे लगा रहे हैं? फॉरेन कंपनी पे, जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी कंट्री में जानता है, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और वहां की इकोनॉमी की कंपनियां जो इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहती है, या हम जिनके थ्रू फ्रॉड करने की कोशिश करना चाहते हैं, दे ऑल नोज कि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले HUF की तरह ही हम यहां भी देखते थे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और कहते थे कि आपका अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप रेसिडेंट हैं। उसमें से लोग टैक्स प्लानिंग करके क्या करते थे, मीटिंग्स को थोड़ा बहुत बाहर कर देते थे, मतलब 10 मीटिंग में से या 10 डिसीजन में से बोलते थे कि हमारा एक डिसीजन बाहर है। फॉरेन कंपनी के लिए नियम क्या था कि अगर आपका पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप रेसिडेंट। पहले प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के से पहले जो कॉन्सेप्ट था, एक फॉरेन कंपनी रेसिडेंट कब बनेगी, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होगा। तो वहां पर ये लोग टैक्स प्लानिंग में क्या करते थे, थोड़ा बहुत कंट्रोल बाहर दिखा देते थे कि दुबई में भी है, सिंगापुर में भी है, इसीलिए ये रेसिडेंट नहीं है। अब आ गई पूरी गाइडलाइंस, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट अब आ गया, जो नीचे चार पॉइंट कैरी कर रहा है। कहता है द प्रायर टू द अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 15 प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी सेट टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। पहले वही था कॉन्सेप्ट, इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट, आज भी वही है। लेकिन और दूसरी कंपनी के लिए क्या बोला, जो इंडियन कंपनी नहीं है उनके लिए बोला कि आप रेसिडेंट कब कहलाओगे, जब आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इंडिया में हो। HUF में तो क्या था, पार्टली हो तब भी रेसिडेंट बोल देंगे। फर्म LLP में क्या है आज के दिन, अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में हो तब भी रेसिडेंट कह देंगे। लेकिन अमेंडमेंट से पहले फॉरेन कंपनी के लिए ये लाइन लिखी हुई थी कि हम आपको रेसिडेंट तभी कहेंगे जब आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 100% इंडिया में हो। अब यहां पर एक अवॉइडेंस अपॉर्चुनिटी थी आर्टिफिशियली टू स्केप द रेसिडेंशियल स्टेटस, थोड़ी बहुत एक्टिविटी ये लोग बाहर शिफ्ट कर देते थे, इनसिग्निफिकेंट। लेकिन सर ये कहता है होली इन इंडिया, अब होली में से मैं 5% नेपाल में दिखा दूं, नहीं सर मेरे बिजनेस में से 5% कंट्रोल नेपाल में है, भूटान में है, तो मैं बच गया ना रेसिडेंसी से। तो इसी को रोकने के लिए 6(3) में अमेंडमेंट लाई गई फाइनेंस एक्ट 15 से, जो कि इफेक्टिव होनी थी 16 से, असेसमेंट ईयर 16-17 से। ध्यान रखना जब फाइनेंस एक्ट की कोई डेट इफेक्टिव होती है तो वो 16 जो ये है ये असेसमेंट ईयर 16 है, लेकिन हालांकि फिर वही हुआ, इसको एक साल के बाद डेफर कर दिया गया। फाइनेंस एक्ट में 15 में बोला गया कि हम इसे अप्लाई करेंगे 1 अप्रैल 16 से, बाद में अगले साल इसकी इफेक्टिव डेट को चेंज करके कहा गया कि नहीं 1 अप्रैल 17, और 1 अप्रैल 17 का मतलब है प्रीवियस ईयर 17, नहीं 17-18, नहीं असेसमेंट ईयर 17-18। ये जो डेट होती है ना फाइनेंस एक्ट की इफेक्टिव डेट, हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं आप पढ़ रहे हो कि फाइनेंस एक्ट ने इस प्रोविजन को 1/4/2018 से 19 से 20 से 21 से अप्लाई किया है, तो वो डेट असेसमेंट ईयर की पहली डेट होती है। असेसमेंट ईयर की पहली डेट यानी असेसमेंट ईयर 17-18 से इफेक्टिव, यानी प्रीवियस ईयर बैक कर लो 16-17 से इफेक्टिव। तो कहता है टू एड्रेस दिस कंसर्न द एग्जिस्टिंग प्रोविजन वेयर अमेंडेड फाइनेंस एक्ट 15 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू प्रोवाइड दैट अ कंपनी टू बी अ रेसिडेंट, क्या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए या उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का डिसीजन तो वही है जो हमने पढ़ा डेफिनेशन, टू मीन इट मीन्स अ प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एंटिटी हैज अ होल आर सब्सटेंस इन मेड।
अब सर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के डेफिनेशन के लिए ही तो आगे चार पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि इसका मतलब क्या, गाइडलाइंस इसके पर दोनों भैया। फाइनेंस एक्ट ने इफेक्टिव डेट को चेंज कर दिया, बोला कि नहीं नहीं 1 अप्रैल 2017 से अप्लाई होगा। कहां से होगा? असेसमेंट ईयर 17-18 से होगा। हम यही पढ़ते हैं अपने नोट्स में। सर ये कोई इंडियन इन्वेंशन नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। मोस्ट ऑफ द टैक्स ट्रीटीज DTAA इंटर्ड इनटू इंडिया रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी एज अ टाई ब्रेकर रूल। पढ़े हैं शायद ये सब चीज हम लोग DTAA की क्लास में, टाई ब्रेकर रूल आर्टिकल 4, ठीक, टैक्स ट्रीटी यानी DTAA। तो सर DTAA के अंदर भी रेसिडेंस का आर्टिकल होता है और उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया POEM को, तो हम एक्ट में क्यों ना यूज कर ले। सर जब DTAA में यूज किया हुआ ही है तो बेटर इसको एक्ट में भी यूज कर लेते हैं, परमानेंट बना देते हैं किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में। द गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी फॉलोड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द POEM इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। सर अब यहां से लेकर यहां तक ये चीज एग्जाम्स के लिए कोई रेलिवेंस नहीं रखती है, इग्नोर। इस साइड में एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे इस तरीके से जाने दो लाइन और लिख दो इग्नोर। हम इसको अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये एक हिस्ट्री बता रहा था, ये एक बैकग्राउंड बता रहा था। एक कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस किससे निकलता है? सेक्शन 6(3) से निकलता है, HUF का 6(2) से, अदर्स का 6(4) से, इंडिविजुअल का 6(1) से। एडिशनल कंडीशन कहां है? 6(6) में। स्कोप कहां है? 5 में। डिम्ड टू बी इनकम, डिम्ड टू बी अक्रूअलाइज कहां है? 9 में। सब याद हो जाएगा, डोंट वरी। अब सर क्या ये चार पॉइंट का आंसर से अगर हमारा आंसर आ जाए कि मेरा बिजनेस एक्टिवली आउटसाइड इंडिया है तो मैं नॉन रेसिडेंट? नहीं। एक तो आपका बिजनेस एक्टिव आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लस आपकी मेजोरिटी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तब ओवरऑल आप क्या कहलाएंगे? अ फॉरेन कंपनी हु इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो पहले चलते हैं एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है, कौन सी कंपनी है आप? हमेशा ध्यान रखिएगा इस गाइडलाइंस में जो कंपनी है वो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी, दुबई की, सिंगापुर की, हांगकांग की, कनाडा की, हालांकि कनाडा तो बहुत दूर है, लोग आसपास की कंट्री के थ्रू प्लानिंग करते हैं। कहता है कि अगर कंपनी का नॉट मोर देन 50% पैसिव इनकम हो, पैसिव इनकम मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, बिना मेहनत वाली इनकम अपने आप हो रही है, जैसे मैं तो बोल रहा हूं, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो क्लास आप तक मेरी टीम पहुंचा रही है, तब जाके मुझे इनकम होती है, ये पैसिव इनकम नहीं है, ये एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है? जो मेरे FD से इंटरेस्ट आता है, जो मेरे सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है, जो शेयर से डिविडेंड आता है, वो है। हालांकि इसमें एक और डेफिनेशन में लिखा हुआ है नीचे, पैसिव इनकम का मतलब है जहां पर आप परचेज और सेल अपनी सिस्टर कंसर्न से कर रहे हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, परचेज भी और सेल भी, बात करेंगे उसके बारे में भी। सर ये ग्रुप कंपनी के थ्रू टैक्स प्लानिंग होती है, एक होल्डिंग कंपनी होती है, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाती है कंट्रीज बीच में, और फिर वो फिर एक मेन इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया में। तो ये ग्रुप कंपनीज का एक चैनल होता है जो डिफरेंट कंट्रीज को यूज करके टैक्स प्लानिंग करना चाहती है, उसको रोकने के लिए पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट के अंदर दिया हुआ है कि आपका परचेस सेल अगर आप ही के ग्रुप कंपनी से हो रहा है तो वो पैसिव इनकम का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो बिना मेहनत के आप कर रहे हैं, ठीक है। सर पैसिव इनकम 50% और उससे कम होना चाहिए, 50% तक होना चाहिए, नॉट मोर देन 50%, यहां लिखा हुआ है नॉट मोर देन, और बाकी आपका ये पॉइंट में सब जगह लेस 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 लिखा हुआ है। सर आप एक फॉरेन कंपनी है, आपका फॉरेन में भी एसेट्स है, इंडिया में भी एसेट्स है, टोटल एसेट का इंडिया में 50% से कम हो, आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंडिया में 50% से कम हो, आपका इंडिया में भी एम्प्लॉय है, ब्रांच है, ऑफिसेज है, और आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां भी आपका ब्रांच ऑफिस है, आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50% से कम हो, और एम्प्लॉय को सैलरी भी जो दे रहे हैं आप वो 50% से कम हो, मतलब टोटल 20 एम्प्लॉय में से मान लो 3 एम्प्लॉय हैं इंडिया में, लेकिन वो 3 एम्प्लॉय 80% सैलरी ले रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है ना, वो 3 ही मेन एम्प्लॉय हैं जो पूरा ओवरऑल 80% सैलरी ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसिव इनकम 50% और उससे कम हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ओवरऑल 50% से कम हो इंडिया में, एसेट्स की वैल्यू 50% से कम हो, पेरोल एक्सपेंडिचर यानी सैलरी बोनस जो देते हैं वो 50% से कम वाला एम्प्लॉय हो इंडिया में, 20 में से 9 या 9 से कम एम्प्लॉय होने चाहिए इंडिया में, और उनकी सैलरी ओवरऑल सैलरी से 50% से कम होनी चाहिए।
ठीक है सर, हमें डेटा मिलेगा, हमें एग्जाम में डेटा मिलेगा कि एक फॉरेन कंपनी है, उसकी दो ऑफिस है, एक फॉरेन कंट्री में और एक इंडिया में, एसेट्स की वैल्यू इंडियन लोकेशन पे कितनी है, फॉरेन लोकेशन पे कितनी है, एम्प्लॉय के नंबर्स, एम्प्लॉय की सैलरी, और फिर नीचे होगा कि हमारी बोर्ड मीटिंग्स पूरे इंडिया में कितनी हुई है और इंडिया के बाहर कितनी हुई है। फाइनली आपको पीओएम का गाइडलाइंस फॉलो करके बताना होगा कि मैं नॉन रेसिडेंट हूं या रेसिडेंट हूं, मेरा बिजनेस एक्टिव आउटसाइड इंडिया है या नहीं है। तो उसके लिए चार पॉइंट, इस चारों पॉइंट का आंसर हाँ आना चाहिए, लेस देन है ना, इस चारों पॉइंट का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तब कहलाएगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। यहां एंड लगा हुआ या और, एंड यहां एंड, यहां एंड, यहां दोनों जगह एंड ना होता तो भी चलता, यहां एंड का मतलब है चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में लिखिए ऑल फोर कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, ऑल फोर कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, चार मार्क्स लिख लीजिए इस पे, चार मार्क्स। हमें एग्जाम में पीओएम का क्वेश्चन करने के लिए चार लाइन तो याद रखनी ही पड़ेगी, रट्टा मारना ही पड़ेगा, आपके शॉर्ट नोट्स में ऊपर का कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये चार लाइन। और सर इसी से हो जाएगा आपका पीओएम बाहर या बोर्ड मीटिंग भी लास्ट में देखना होगा। सर इस पॉइंट से तो आंसर आएगा योर एक्टिव बिजनेस इज इन आउटसाइड इंडिया, अब हमें बोर्ड मीटिंग भी देखनी पड़ेगी। ठीक, बोर्ड मीटिंग जब बाहर होगी मेजोरिटी वाली, तब हम कहेंगे आपका पीओएम बाहर है और आप एनआर है। पीओएम के दो कंडीशन, उसमें से एक है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। आइए सर, अब है कि इनकम कैसे कंप्यूट करना है, वैल्यू ऑफ एसेट्स को कैसे देखना है, एम्प्लॉय को कैसे देखना है, पेरोल को कैसे देखना है, पैसिव इनकम क्या है, हेड ऑफिस क्या है, सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट का कहीं पर रेफरेंस आ रहा होगा, उसका रेफरेंस देखना होगा हमको। ठीक है, मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स में काम आएगा, और कुछ बातें यहाँ हेड ऑफिस के लिए लिखी हुई हैं कि हेड ऑफिस किसको बोलते हैं, हेड ऑफिस का रेफरेंस किसी इसके अंदर किसी डेफिनेशन में आ रहा है, देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। चलिए अब मैं चाहूंगा आपसे पेज नंबर 2 की आप रीडिंग कंप्लीट करें और तब वीडियो को रिज्यूम करें। वीडियो रोक दीजिए आप यहाँ पे, मैं नहीं रोक रहा, मैं तो कंटिन्यूटी में पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो रोकिए, इस पूरे पेज को नीचे तक पढ़िए, नॉर्मल एक रीडिंग दीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट बता दो सर कौन सा है, थर्ड नंबर जो नीचे पॉइंट है पैसिव इनकम का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऊपर एबीसीडी में सी पॉइंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऊपर जो एबीसीडी दिख रहा है आपको सामने में यहां, इसमें सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और नीचे आपका थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बाकी इस पेज में कोई दम नहीं है, पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहता है, पढ़िए आराम से।
चलिए क्या कहता है, फॉर द एफोरसेड पर्पस, इस पर्पस के लिए, ये जो आपका पॉइंट्स है इसके लिए, द इनकम शैल बी कॉम्प्यूटेड फॉर टैक्स पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर मान लीजिए वहां की जिस कंट्री में आप इनकॉर्पोरेटेड हैं, फॉरेन कंपनी जिस कंट्री में है, सर यहां जो वर्ड है इनकम की जो बात हुई है, वो इनकम वहां के लोकल लॉ के हिसाब से कॉम्प्यूट करना है जिस कंपनी में आपका, जिस कंट्री में आपका इनकॉर्पोरेशन है। आप फॉरेन कंपनी हो ना, ये ध्यान रखना है कि आप फॉरेन कंपनी है। सर वहां कोई कॉम्प्यूटेशन नहीं है, इंडिया में जैसे हम लोग करते ना कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फाइव हेड्स, वैसा वहां कोई लॉ नहीं, टैक्स है ही नहीं वहां पे, तो फिर एज पर बुक्स ऑफ दैट कंट्री, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर द लॉ ऑफ अ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन डज नॉट रिक्वायर सच अ कॉम्प्यूटेशन। इंडिया में जैसे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है फाइव हेड्स प्रेजेंटेशन GTITI, मान लो उस कंट्री में नहीं है तो फिर आप बुक्स के अकॉर्डिंग आ जाना इनकम में, अदरवाइज आप कॉम्प्यूटेशन वैसा ही फॉलो करना जैसा उस कंट्री का टैक्सेशन लॉ कहता है। वैल्यू ऑफ एसेट्स में कुछ एसेट्स होंगे डेप्रिसिएबल वाले, तो और कुछ एसेट्स होंगे जिस पर आप ब्लॉक कॉन्सेप्ट इंडिया की तरह फॉलो करते होंगे, और या फिर कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जिन पर आप डेप्रिसिएशन लेते ही नहीं होंगे। तो उसमें तीन कैटेगरी यहां पर है, ए बी और सी। थोड़ा सा यहां पर वो एक ऐसे ऐसे वाली लाइन होती है ना, वो डाल दो, ए बी ऐसे ऐसे वाली लाइन, थोड़ा हाईलाइट हो जाए कि तीन पॉइंट्स है हमारे पास। अब ए, इंडिविजुअल डेप्रिसिएबल एसेट्स में उसकी वैल्यू क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे आप, शैल बी द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। सर जितने भी इंडिविजुअली इंडिविजुअल लेवल पे डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं अलग अलग जिस पर आप डेप्रिसिएशन लेते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू लेनी है इनकम टैक्स वाली। जैसे इंडिया में अकाउंट्स वाली वैल्यू अलग होती है और इनकम टैक्स वाली अलग होती है, वैसे उस कंट्री में भी होगी, अलग अलग लेके एवरेज लेनी है, ओपनिंग बिगिनिंग और एंड का एवरेज लेना है। बोला नहीं सर हम लोग वो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जैसे इंडिया में होता है, बहुत सारे एसेट्स का एक ब्लॉक बना देते हैं, तो ठीक है वहां फिर इनकम टैक्स वाली वैल्यू लेना, वहां भी एवरेज करना बिगनिंग और एंड का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई परचेज किया होगा उसमें तो वो एवरेज हो जाएगा, ठीक है। सर ये एसेट वर्ड है ना यहां पे, इसके लिए टोटल एसेट्स की वैल्यू इंडिया में 50% से कम होनी चाहिए। इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, किताबी बात है। आपको ये जो पॉइंट है ये किताबी बात है, बस पढ़ने के लिए था, एग्जाम में लिखने के लिए भी नहीं आता। सर एम्प्लॉय में धोखा क्या करते हैं, ये जो हमने कहा कि इंडिया में लेस देन 50% से कम एम्प्लॉय होने चाहिए, ये लोग क्या करते हैं ना, एम्प्लॉय रखते हैं इंडिया में लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय रखते हैं, आउटसोर्स्ड। जैसे मुझे एम्प्लॉय रखना है, मैं SATC में एम्प्लॉय को ना रखूं, मैं कोई एक मैन पावर सप्लाई पर्सन से मैं एक एम्प्लॉय मंगवा लूं। मतलब जैसे हमारे यहाँ दो बंदे काम कर रहे हैं टीम में, हमारे पास वंश और जतिन, अब मुझे एक और बंदा चाहिए, मैं उसको SATC के पेरोल पे मैं सैलरी नहीं दूंगा, मैं किसी कंसल्टेंट मैन पावर सप्लाई कंपनी को बोलूंगा एक बंदा दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम उसको दे देना। अच्छा वो तीसरा बंदा जो आया वो कर तो वही काम रहा है जो वंश और जतिन कर रहे हैं हमारी टीम में। तो सर आपके जो ये एम्प्लॉय है ना, ये जो एम्प्लॉय के नंबर्स वाली बात है, ये आपके अपने एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जो सेम काम आपके ऑफिस में रह के कर रहे हैं। आप यहां पर ना 50% के नंबर्स को इधर उधर करने के लिए आपने क्या किया है, इंडिया में 50% से कम वर्कफोर्स दिखाने के लिए इंडिया में कुछ आपने अपने पेरोल पे रखा है और कुछ बाहरी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, तो दैट एम्प्लॉय इंक्लूड्स कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑल्सो हु आर डूइंग सेम वर्क। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय शैल बी द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगनिंग एट द एंड, बीच में छोड़े होंगे बीच में नए रखे होंगे इसलिए एवरेज करना है, एंड अंडरलाइन शैल इंक्लूड पर्सन हु दाउ नॉट एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द कंपनी बट परफॉर्म सिमिलर टास्क एज दोज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय। अंडरलाइन हाईलाइट इंपॉर्टेंट मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय डूइंग सेम फंक्शन डूइंग सेम वर्क, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय डूइंग सेम वर्क। तो सर आप देखिए हमने यहां पढ़ा इनकम, तो अगले में एक पॉइंट इनकम का था, एसेट का एक पॉइंट था, एक पॉइंट एम्प्लॉय का था, एक पॉइंट पेरोल का है। तो पेरोल पे क्या कहता है, पेरोल में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सैलरी वेज बोनस ऑल अदर एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड पेंशन और सोशल कॉस्ट। ये जो सोशल कॉस्ट है ना, इट इज नथिंग बट प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इंडिया में जो हम लोग बोलते हैं PF कॉन्ट्रीब्यूशन, बाहर में इसे बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल कॉस्ट। गूगल कर सकते हैं,
जैसे इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो बाहर चलता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इंडिया में चलता है आपका टीडीएस, बाहर चलता है विथहोल्डिंग टैक्स। इंडिया में चलता है पीएफ कंट्रीब्यूशन, बाहर में चलता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल कॉस्ट बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, नथिंग बट अ पीएफ कंट्रीब्यूशन। हम पेरोल में ऑलमोस्ट सैलरी का सारा एलिमेंट लेंगे, तब हम देखेंगे पेरोल एक्सपेंस इंडिया का कितना, बाहर का कितना, और वो ओवरऑल परसेंटेज में कितना। परसेंटेज इस तीनों में 50 से कम आना चाहिए, और इसमें 50 के इक्वल भी आए तो चलेगा। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम क्या कहेंगे, आपका बिजनेस एक्टिवली कहां है, आउटसाइड इंडिया। हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी वुड बी अ प्लेस वेयर द कंपनीज सीनियर मैनेजमेंट एंड देयर डायरेक्ट सपोर्ट स्टाफ आर लोकेटेड। जैसे मैं कहता हूं ना, मैं मेकर चैम्बर में था नरिमन पॉइंट पे 1.5 ईयर, मुकेश अंबानी जिस बिल्डिंग में बैठते थे, मुकेश अंबानी सर ऐसे समझिए, मैं थर्ड फ्लोर पे था मेकर चैम्बर नरिमन पॉइंट। कोई अगर बच्चा बॉम्बे के हो, आप जान रहे होंगे बॉम्बे के हैं हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल लेवल पे, काफी बॉम्बे के हैं, गुजरात के हैं, अच्छी बात है कि गुजरात तक बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। बॉम्बे में, बॉम्बे के स्टूडेंट्स काफी हैं इस बार, 10 से 12 बॉम्बे के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इस सेशन में फाइनल डीटी के लिए, जो कि अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी बात है अगर बॉम्बे जैसी सिटी से स्टूडेंट्स हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी 3-3 कोचिंग सेंटर्स फेमस हैं फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए। यस सर, 3-3 कोचिंग सेंटर्स हैं जो इंडिया लेवल पे फेमस हैं बॉम्बे के डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, फिर भी बच्चे हमारी क्लास, हमारे डिलीवरी को पसंद कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, एंड इट इज गुड थिंग। सर ऐसे ही पसंद करते रहिए। सर, हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी वुड बी अ प्लेस वेयर द कंपनी सीनियर मैनेजमेंट एंड देयर डायरेक्ट सपोर्ट स्टाफ आर लोकेटेड, और इफ दे आर लोकेटेड एट मोर देन वन लोकेशन, द प्लेस वेयर दे आर प्राइमरली और प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड। सर, मुकेश अंबानी सर की दो ऑफिसेज हैं, उनके दो मैनेजमेंट, मान लीजिए वो इस ऑफिस में दिन में आते हैं और इस ऑफिस में दोपहर में जाते हैं, या महीने में 25 दिन इस ऑफिस में है, 5 दिन उस ऑफिस में भी जाते हैं, दो जगह हमारे सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के लोग रहते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली प्राइमरी कहां किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, वो हेड ऑफिस होगा। सर, अ कंपनीज हेड ऑफिस इज नॉट नेसेसरी द सेम एज द प्लेस वेयर द मेजोरिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉई वर्क और वेयर इट्स बोर्ड टिपिकली मीट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, कंपनी की हेड ऑफिस वो ऑफिस नहीं है जहां पर मेजोरिटी एम्प्लॉय काम करते हैं, और या फिर जहां पर बोर्ड जनरली मीट करता है, तो ये कंफ्यूज ना करना इस कीवर्ड से। हालांकि इसका भी कोई हमें डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस का हमें इस 5 लाइन का कोई यूज नहीं हो रहा है इस 4 में। इस 4 में पैसिव इनकम क्या आते हैं, एसेट्स इनकम क्या है देख लिए, इनकम एच पर इनकम टैक्स है, एसेट्स में बुक वैल्यू लेनी है, यहां पर शायद हमने पढ़ा नहीं क्या, इन केस ऑफ अदर एसेट्स बुक वैल्यू लेनी है, और डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में इनकम टैक्स वाली वैल्यू लेनी है। एम्प्लॉय में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी लेने हैं जो सेम वर्क काम कर रहे हैं, और पेरोल में सैलरी बोनस पीएफ सब लेना है। हेड ऑफिस यूजलेस डेफिनेशन है यहां पर फिलहाल, आगे काम जरूर आएगा ऐसा डेफिनेशन। पैसिव इनकम में हम कौन सी इनकम लेंगे, जनरली डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, आप इसमें रॉयल्टी की इनकम, कैपिटल गेन, जिसमें मेहनत नहीं है ऑटोमेटिक हो रहा है, रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम सब आ सकता है। उसके अलावा अगर आप परचेज एंड सेल दोनों आप किससे कर रहे हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सिस्टर कंसर्न, आपकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, या आपकी एसोसिएट, यानी एक दोनों के कॉमन होल्डिंग कंपनी है, यानी मैं ए लिमिटेड बी लिमिटेड डील कर रहा हूं और हम दोनों की होल्डिंग कंपनी कॉमन है, या फिर मैं सब्सिडरी हूं या फिर वो होल्डिंग, और मैं सब्सिडरी, मैं होल्डिंग या वो सब्सिडरी है, हम परचेज सेल आपस में कर रहे हैं, मतलब मैं एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से परचेज करता हूं और दूसरे एसोसिएटेड को मैं बेचता हूं, तो सर इस परचेज सेल की इनकम को हम लोग पैसिव इनकम में लेंगे। सर क्यों ऐसा कर रहा है, मैं बताऊं क्यों ऐसा कर रहा है, ए लिमिटेड एक यूएस की कंपनी है, इसे सी लिमिटेड इंडिया को के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं, इसने बीच में एक बी लिमिटेड क्रिएट कर दिया दुबई में, यूएई में, एंड ये ग्रुप कंपनीज है, ये एक ही ग्रुप कंपनी है, यानी इन सबकी एक ही होल्डिंग है, कॉमन होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी कॉमन है सबकी, मल्टीनेशनल कंपनी
प्रेजेंट इन मल्टीनेशनल कंट्री, ए लिमिटेड इसी के अंदर है, बी लिमिटेड इसी के अंदर है, सी लिमिटेड इसी के अंदर है। सर ये इसको सेल कर रहा है और ये इसको सेल कर रहा है, सेल सेल। तो सर ये सब आपस में क्या है, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज। इस परचेज सेल से जो इनकम जनरेट होगी, इनकम हम उसे कौन सी इनकम कहेंगे, पैसिव इनकम। किसके लिए, फॉर बी लिमिटेड के लिए। बी लिमिटेड ने अपने ही एसोसिएटेड से परचेज किया एरो और फिर अपने ही एसोसिएटेड को सेल कर दिया। तो सर ये तो बैठे बैठाया बीच में मार्जिन खा रहा है ना। जो सेल डायरेक्ट हो सकती थी, जो सेल डायरेक्ट हो सकती थी इंडिया, हमने उसको बीच में मैनिपुलेट कर दिया दुबई के थ्रू। तो क्या हुआ, जो डायरेक्ट सेल अगर होती इंडिया तो 10 रुपया प्रॉफिट की बात होती, वो हमने 5-5 रुपए में बांट दिया दुबई को इन्वॉल्व करके, कुछ टैक्स प्लानिंग का पार्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस, यानी ये जो फॉरेन कंपनी है, एक तरह से ये फॉरेन कंपनी है जिसका हमें पीओईएम टेस्ट करना है, डिसाइड करना है कि ये रेसिडेंट है या नहीं, दुबई की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट मैटर अभी कौन है, बी लिमिटेड। तो इसकी जो परचेस सेल हो रही है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से, उसकी इनकम को हम पैसिव इनकम का पार्ट मानेंगे और पैसिव इनकम 50% या उससे कम होनी चाहिए इफ इट इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, पैसिव इनकम में ये इनकम आती है प्लस रेंट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, बैठे बैठाया फिक्स इनकम आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से इनकम आनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। चलिए सर इसको लिखिए, जहां जरूरत पड़ेगी चार्ट के थ्रू समझाने की मैं समझाऊंगा। आइए सर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कहता है पैसिव इनकम ऑफ अ कंपनी शैल बी द एग्रीगेट ऑफ द इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर बोथ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम और टू इट्स एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। सेम ही ना हो, अलग अलग कंट्री की हो। सर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस आगे हमें ट्रांसफर प्राइसिंग में भी पढ़ना है कि जैसे 26% की होल्डिंग है तो एसोसिएटेड कहलाती है, कॉमन होल्डिंग है तो एसोसिएटेड कहलाती है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि होल्डिंग कंपनी है और सबकी ये, अब ये एक ग्रुप कंपनी है आपस में, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी।
मतलब एक होल्डिंग कंपनी है से यूएस में और उसकी सब्सिडरी है तीन, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, तो ये लोग एसोसिएटेड कहलाएंगी, ऐसे मैंने समझाने की कोशिश की। आगे डेफिनेशन है हमारे पास एई का, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का। हाउएवर एनी इनकम, सर यहां पे इंटरेस्ट भी है ना, इंटरेस्ट की इनकम को पैसिव इनकम कहा गया, लेकिन अगर आप बैंक हो तो सर अगर आप बैंक हैं, आपका नॉर्मल बिजनेस है लोन एडवांसेस देना और इंटरेस्ट की इनकम अर्न करना, तो हम उस इंटरेस्ट, उस केस में इंटरेस्ट को पैसिव इनकम नहीं कहेंगे। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पैसिव इनकम इन केस ऑफ अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड एज अ सच अंडर द एप्लीकेबल लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर आपका बिजनेस और लोन एडवांसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप बैंक हैं या फिर जनरली आप बैंकिंग वाला काम कर रहे हैं अपने लोकल लॉ के अकॉर्डिंगली, तो इस इंटरेस्ट को हम पैसिव इनकम नहीं कहेंगे। पर ध्यान रखना, आप बैंकिंग के बिजनेस में हो, लोन तो सर सिस्टर कंसर्न भी एक दूसरे को देती है। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को लोन देती है या बी लिमिटेड सी लिमिटेड को लोन देती है, वहां से जो इंटरेस्ट इनकम आता है हम उसे पैसिव इनकम कहेंगे कहेंगे क्योंकि दे आर नॉट अ बैंक, दे आर नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैं बैंक हूं तब इंटरेस्ट इज नॉट अ पैसिव इनकम, लेकिन मैंने अगर अपनी सिस्टर कंसर्न को लोन देके इंटरेस्ट की इनकम अर्न की है तब तो इट इज अ परफेक्ट केस ऑफ पैसिव इनकम। डन, तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में ये वाला पॉइंट हेल्प करेगा आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को भी काउंट करेंगे, बाकी प्रैक्टिकल में कोई यूज होता नहीं है, ये सब ध्यान रखने वाली बात है। सीनियर मैनेजमेंट किसको कहेंगे जानना जरूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के लिए। सीनियर मैनेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी मीन्स द पर्सन और पर्संस हु आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द की स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी फॉर द कंपनी एंड फॉर इंश्योरिंग और ओवरसीइंग द एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज स्ट्रेटेजी ऑन रेगुलर और ऑन गोइंग बेसिस। वाइल डेफिनेशन मे वेरी बट दीज पर्सन मे बी कंसिडर्ड एज सीनियर मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, फाइनेंशियल डायरेक्टर, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स और हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। सर डिपार्टमेंटल हेड्स, डायरेक्टर्स, सीएफओ, सीईओ, इन सबको हम लोग सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा सारे डायरेक्टर को नहीं रखते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं जो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड है फाइनेंशियल डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस तरीके से, जिनके पास की डिसीजंस के पावर होते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं वो लोग मीटिंग्स में, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल ऑल्सो, उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है, सीनियर मैनेजमेंट। सर यही मीटिंग करेंगे तो पता चलेगा ना वो मीटिंग इंडिया में हो रही है या इंडिया के बाहर हो रही है। मेजोरिटी मीटिंग्स कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के बाहर होनी चाहिए, और जब हम मीटिंग की बात करेंगे तब हेड ऑफिस की बात आएगी। वो जो अभी पढ़े ना, अभी एक पहलू और हमें पढ़ना है ना, अभी हमारा एक पहलू कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो चुका, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अब हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे जाएंगे मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, तो वहां हेड ऑफिस की भी चर्चा होगी, सीनियर मैनेजमेंट की भी चर्चा होगी, बस उसका एक ग्राउंड बन रहा है ऐसे समझिए। ऑलरेडी हमारा पहला पॉइंट फिनिश हो चुका है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के चार कंडीशंस। एक आपका कंडीशन है पैसिव इनकम से रिलेटेड, दूसरा एसेट से रिलेटेड, तीसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉई से रिलेटेड, चौथा सैलरी से रिलेटेड। देन पेरोल, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, एसेट की वैल्यू, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में सेल परचेज विथ एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस भी आता है, कैपिटल गेन भी आता है, लोन इंटरेस्ट रॉयल्टी बैंक इनकम भी आती है। आइए सर, सिक्स नंबर पॉइंट, सेवन नंबर पॉइंट और एट नंबर पॉइंट एक बार रीडिंग कंप्लीट कीजिए। बात मानिए सर, एक घंटा और बचा है ये चैप्टर कंप्लीट होने में, भले नंबर ऑफ पेज ज्यादा है लेकिन एक घंटे से ज्यादा अब आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में नहीं लगेगा। एक क्लास में पीओएम करेंगे, आप दो ब्रेक लेके करिए, तीन ब्रेक लेके करिए, लेकिन मैं एक लेक्चर से ज्यादा इसमें नहीं दूंगा। यानी अगर मैं एक एक घंटे के लेक्चर बनाऊं तब तो तीन हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक में एक लेक्चर से ज्यादा लेक्चर आपके कंप्यूटर में ना जाए। एक बार बैठो, इस टॉपिक को खत्म करो, एग्जाम का 8 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार। ठीक है, वीडियो को रोकिए और 6, 7 और 8 पढ़िए। एक लंबी क्लास आपके पास जाएगी, मन भर के ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो पॉइंट है वो जस्ट रीडिंग करके निकालने हैं, मेनली बोर्ड मीटिंग्स का डिस्कस करना है, मैनेजमेंट का डिस्कस करना है, और इश्यूज थोड़े थोड़े देखने हैं, गवर्नमेंट की क्लारिफिकेशन देखनी है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए जो पॉइंट थे वो पहला दूसरा खत्म। 6 पढ़िए, 7 पढ़िए, और यही चीज तो मैंने शुरू में आपको लिखाई थी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट
हम आउटसाइड इंडिया मानेंगे अगर दो कंडीशन है, आपका एक्टिव बिजनेस बाहर है और बोर्ड मीटिंग्स मेजोरिटी लेवल पे इंडिया के बाहर हो रही है। इसी का एनालिसिस करना है दूसरे पॉइंट का। रोकिए, पढ़िए, फिर रिज्यूम कीजिए। चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या किया कवर। इसमें सिंपल सिंपल पॉइंट है, कहता है एनी डिटर्मिनेशन ऑफ द पीओईएम, एनी डिटर्मिनेशन ऑफ द पीओईएम विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ गिवन केस। यस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। आप सिर्फ ऊपर ऊपर ट्रांजैक्शन को नहीं जाएंगे, अंदर मेन डिटेल्स में जाके देखेंगे कि एक्चुअली में की मैनेजमेंट डिसीजंस और कंट्रोल कौन हैंडल कर रहा है और वो लोकेटेड कहाँ है। ठीक है, द पीओईएम कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ट्रांजेक्शन के नेचर को पहचानना होगा, एक्टिविटी को पहचानना होगा, कंट्रोल को पहचानना होगा। इट मे बी नोटेड दैट एन एंटिटी मे हैव मोर देन वन प्लेस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे भी पीछे था कि आपका एक से ज्यादा हेड ऑफिस हो सकता है, बट इट कैन हैव ओनली वन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जैसे हम पीछे क्या पढ़े, यहां पे आपका एक से ज्यादा लोकेशन हो सकता है हेड ऑफिस का। ठीक है, इफ दे आर लोकेटेड एट मोर देन वन लोकेशन द प्लेस वेयर दे आर प्राइमरी और प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड। ऐसी बात पढ़े, ऐसे ही बोला गया यहाँ पे कि आपका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट एक ही होगा। सर, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट एक पॉइंट पर एक ही जगह होगा। सिंस रेसिडेंस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर इच ईयर, हमें हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना होता है, इसलिए हर साल चेक करेंगे। पीओईएम इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड ऑन ईयर बेसिस। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, टॉपिक आज पीओईएम, सर क्या ये एनुअल कॉन्सेप्ट है, हर साल हमें इस प्रोसीड्योर को फॉलो करना होगा और आंसर देखना होगा? आंसर इज येस। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीओईएम वुड बी प्राइमरी बेस्ड ऑन द फैक्ट एज टू वेदर और नॉट द कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। सबसे पहला काम है वही चार पॉइंट देखना कि आपका बिजनेस एक्टिवली आउटसाइड इंडिया है या नहीं है, जो चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक इनकम, दूसरा एसेट, तीसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, चौथा पेरोल पे। फिर वो चीज जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये दो लाइन तीन लाइन। फिर यहाँ पे कहता है कि सब कुछ बोर्ड मीटिंग ही नहीं है, कभी कभी बोर्ड मीटिंग्स दिखावे की होती है और एक्चुअल पावर किसी और के पास होता है, तो उस केस में हम लोग बोर्ड मीटिंग्स नहीं देखेंगे लोकेशन, हम देखेंगे कि वो जो पावरफुल लोग हैं जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स यानी डायरेक्टर मीटिंग्स के डिसीजन को भी ओवरराइड कर देते हैं, वो एक्चुअली कहां से ले रहे हैं डिसीजंस, और वो हम फिर बोर्ड मीटिंग्स को साइड कर देंगे और मेन आ जाएंगे उन लोगों पर जो एक तरह से बोर्ड मीटिंग्स के डिसीजंस को ओवरपावर्ड कर लेते हैं। तो ये बात यहां पे कह रहा है कि हमेशा बोर्ड मीटिंग ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। हाउएवर इफ ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स, ये तीन लाइन तो मैं लिखा चुका, if on the basis of the facts and circumstances it is established that the board of directors of a company are standing aside and not exercise their power of management, yani dummy tarah hai wo, ek tarah se companies act ko compliance karne ke liye directors board of directors bane, sir not exercising their power of management and such power are being exercised by either the holding company or any other person resident in India, then the place of effective management shall be considered to be in India. सर, मैंने क्या कहा, कंपनीज एक्ट की फॉर्मेलिटी के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, कभी कभी उनको वो पावर नहीं देते जो एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए चाहिए, एक। दूसरा, इंडिया में कंपनीज एक्ट स्ट्रांग हो सकता है 2013, लेकिन बाहर की कंट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने क्या कहा, किराए पर डायरेक्टर मिलते हैं, दुबई में, साइप्रस में, आइले ऑफ मैन करके एक आइलैंड है, वहां पे आप जितने मन उतने डायरेक्टर अपॉइंट करवा लो, कंपनी आपकी, पैसा आपका, वो आपके बिहाफ में डायरेक्टर बन जाएंगे, बीच में एक मीडिएटर रहता है जो ये सब सेटल डाउन करवाता है, पैसा जिस दिन होगा उस दिन अपने आप ये लोग मिल जाएंगे। अभी तुम्हारे पास 10,000 रुपया था, मैं मिला तुम्हें पढ़ाने के लिए, जिस दिन तुम्हारे पास $10,00,000 होगा और जिस पर तुम टैक्स बचाना चाहोगे, टैक्स चोरी करना चाहोगे, वहां पर अपने आप ये सारे लोग मिल जाएंगे। अभी मैं पढ़ाने के लिए आपसे जुड़ा हूं, बाद में कोई ना कोई आपसे जुड़ेगा आपको मैनेज करने के लिए, आपके ब्लैक मनी को मैनेज करने के लिए, ऐसे समझिए। हर जगह कोई ना कोई आपका मेंटर और गाइडर बनेगा, डोंट वरी। सर, ये लोग मिलते कहाँ हैं, प्लानिंग होती कैसे, पहले ब्लैक मनी कमाना तो शुरू कीजिए, अपने आप प्लानिंग हो जाएगी। सर, फॉर दिस पर्पस मेयरली बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलोज जनरल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्लोबल पॉलिसी ऑफ द ग्रुप लेट डाउन बाय द पैरेंट कंपनी। सर, कभी कभी क्या होता है, एक मल्टीनेशनल ग्रुप की एक पैरेंट कंपनी होती है जो यूएस और कनाडा में बैठी होती है,
उनके ग्रुप पॉलिसी होती है जो हर कंट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉलो करनी पड़ती है एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। सर जैसे ये है, ये जो चार्ट मैंने आपको यहां पर दिया था, ये कि एक होल्डिंग कंपनी है, सपोज करो ये यूएस में है और इसके सब्सिडरीज हैं कि यूएस में, एक दुबई में और एक इंडिया में, इनकी कोई ना कोई ग्रुप पॉलिसी तो होगी, एडमिन से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड, कंपनी की गुडविल और कैरेक्टर से रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, कोई ना कोई एक ग्रुप पॉलिसी होगी जो एज अ ग्रुप मेंबर सबको फॉलो करनी है। तो सर वो ग्रुप मेंबर फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि होल्डिंग कंपनी के कुछ इंस्ट्रक्शंस तुम फॉलो कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर अ ग्रुप मेंबर। ऐसा नहीं कहेंगे कि सर बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंडिपेंडेंसी खत्म हो गई, नहीं, दे आर स्टिल इंडिपेंडेंट इवन दाउ दे आर फॉलोइंग सम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी एज अ मैटर ऑफ होल्डिंग कंपनी एज अ मैटर ऑफ ग्लोबल पॉलिसी। तो यानी ये बात तो यहां पर है कि कोई तीसरा ही आदमी है जो बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है यहां पर जो कह रहा है। अब यहां पर एक फेवरेबल बात कह रहा है कि मेयरली बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो जनरल एंड एन ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द ग्लोबल पॉलिसी ऑफ द ग्रुप लेट डाउन बाय द पेरेंट एंटिटी विच मे बी इन द फील्ड ऑफ पेरोल, अकाउंटिंग, ह्यूमन, आईटी, नेटवर्किंग, सप्लाई, रूटीन एंड नॉट बीइंग स्पेसिफिक टू एनी एंटिटी और ग्रुप एंटिटी पर से वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी स्टैंडिंग असाइड। सर यहां कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइड कर दो, अगर उसके डिसीजंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी या कोई अदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। दिखावे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आप सिंगापुर की कंपनी है, चार डायरेक्टर है लेकिन चारों के ऊपर एक इंडियन है जो उन सबको कंट्रोल कर रहा है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया। लेकिन मैं दुबई की कंपनी हूं और मेरी मल्टीनेशनल होल्डिंग कंपनी इंडिया की है, मान लो मैं दुबई में एक कंपनी हूं जिसकी होल्डिंग कंपनी इंडिया की है और एज अ ग्रुप पॉलिसी मैं इंडिया के कुछ पॉलिसी को फॉलो कर रही हूं दुबई में, इसका यह मतलब नहीं है कि दुबई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई औकात नहीं है एंड उसको हम सेट असाइड कर दें, ऐसा नहीं करेंगे हम। सर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे, इंडिया होल्डिंग कंपनी है और देश पूरे वर्ल्ड में 4-5-10 जगह इनकी सब्सिडरीज हैं और वो सब एक कॉमन गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, कॉमन गाइडलाइंस फॉर रूटीन जॉब, मेन फंक्शंस अभी उनके कंट्रोल में है, तो हम वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी स्टैंडिंग असाइड। सर ये चीज प्रैक्टिकली समझने के लिए ऐसे समझो कि इंडिया में होल्डिंग कंपनी है और काफी सारी कंट्री में बाहर उसकी सब्सिडरीज हैं और ग्रुप फॉर्म ग्रुप लेवल पे ये पॉलिसीज इंडिया से बन के निकलती है और सब उसको फॉलो करते हैं जस्ट टू मेंटेन अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कि दे आर फॉलोइंग सम ग्लोबल पॉलिसी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर इन इंडिया, ऐसे समझिए। चलिए सर फिर कहता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर कंपनी इज एंगेज्ड एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया और नॉट, एवरेज ऑफ द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 2 years प्रायर टू दैट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। इन द केस ऑफ द कंपनी हैज एन एग्जिस्टेंस फॉर अ शॉर्टर पीरियड, डेटा हम शॉर्टर पीरियड का लेंगे, वेयर द अकाउंटिंग ईयर फॉर द टैक्स पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये तो कहता है कि जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे थे एसेट का, पेरोल का, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का, वो आप 3 साल का डेटा लेके एवरेज कीजिए, उससे बेटर प्रेजेंटेशन आएगी, कर सकते हैं लेकिन किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना ही यूजफुल होता है, ये थ्योरेटिकल है, बगल में लिख लीजिए, नॉट यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम एग्जाम के करेंगे ना उसके लिए इसको नहीं फॉलो करते हैं, 3 साल का एवरेज नहीं लेते हैं, 1 ही साल का लेते हैं। हाँ ये लाइन कहती है कि जैसे इंडिया में हम मार्च में ईयर को क्लोज करते हैं और बाहर की कंट्री में दिसंबर में होता है, बाहर की कंट्री में इनकम टैक्स वाला जो ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर होता है 12 महीने वाला, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग वाला टैक्स वाला सब मार्च वाला चलता है, मार्च में फिनिश होते हैं ये, तो इंडिया मार्च फॉलो करता है और हमारी जिस कंट्री में कंपनी है वो दिसंबर फॉलो करती है। तो अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं से प्रीवियस ईयर 19-20 की, तो वहां पर बात करेंगे कैलेंडर ईयर 19 की, हमारे प्रीवियस ईयर में उनका जो ईयर बंद हो रहा है यानी दिसंबर 19 कैलेंडर ईयर 2019 की बात करेंगे। सर हम अभी क्या चला रहे हैं इंडिया में प्रीवियस ईयर 19-20, तो अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करेंगे तो फॉरेन कंपनी का कैलेंडर ईयर 12 महीने कौन सा लेंगे 2019 का, जिसका लास्ट कहां पे हो रहा है दिसंबर 19 और जो इस फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है।
दिसंबर 19 इस फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है, तो हमारा ईयर खत्म हो रहा है मार्च में, तो उनका कौन सा ईयर लेंगे जो दिसंबर 19 में खत्म हो रहा हो। ये एक साल हमारा और एक साल उनका, हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा, उनका जनवरी से होगा। हमारा अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा, इनका जनवरी 19 से। सर फॉरेन कंपनी का ही तो स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग ईयर फॉरेन कंपनी का लेंगे, इनकम फॉरेन कंपनी के लेंगे, लेकिन वहां चल रहा है कैलेंडर ईयर, तो कौन सा ईयर लेंगे, 2020 वाला या 2019 वाला। तो अगर हम इंडिया में 2019-20 की बात कर रहे हैं तो फॉरेन का 19 वाला लेना पड़ेगा हमें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये चार लाइन जो कह रहा है, ये चार लाइन जो बात कह रही है वो ये कह रही है, लिख लीजिए इसको छोटा सा वहीं पे। ये लिख चुके थे, फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं इंडिया के लिए। इंडिया में चलता है 12 महीने अप्रैल टू मार्च, फॉरेन कंट्री में चल रहा है जनवरी टू दिसंबर। तो अगर हम यहां प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं तो फॉरेन का क्या लेना पड़ेगा, कैलेंडर ईयर 19। हम यहां दो साल पीछे जाएंगे तो वहां 19 से दो साल पीछे जाना पड़ेगा 17 और 18 में। इन केस द कंपनी अदर देन दोज आर एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, रेफर टू इन पैरा 7, ऊपर पैरा 7 यानी 7th नंबर पॉइंट पे। इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन दोज दैट आर एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मतलब कहीं ना कहीं हम अब क्या बनने जा रहे हैं, रेसिडेंट। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं मिला, अदर देन है ना, मतलब शायद इंडिया में 60% एम्प्लॉय है या 60% पेरोल एक्सपेंडिचर्स है। तो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द POEM वुड बी अ टू स्टेज प्रोसेस, नेमली फर्स्ट स्टेज वुड बी द आइडेंटिफिकेशन और असर्टेनिंग द पर्सन और पर्सन हु एक्चुअली मेक्स द की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन। यानी बेसिकली पैरा 7 में हमें एक मिला ना एक पॉइंट, ये वाला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एक्चुअल पावर नहीं है की डिसीजन लेने का, वो लोग अपना मैनेजमेंट पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई और यानी होल्डिंग कंपनी या कोई और पर्सन जो रेसिडेंट इन इंडिया है वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है। और सर यहां पर ये होल्डिंग कंपनी कौन है, होल्डिंग कंपनी जो इंडिया वाली है, होल्डिंग कंपनी इस बार यहां पे कौन है, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी की एक सब्सिडरी है सिंगापुर में, हांगकांग में, उस सब्सिडरी को भी रेसिडेंट कहेंगे क्योंकि उसका डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई डिसीजन नहीं लेता, सारा डिसीजन पेरेंट कंपनी इंडियन कंपनी लेती है कि वो सिंगापुर और हांगकांग में क्या करे, ऐसा कुछ। तो उस केस में कहता है डिटर्मिनेशन POEM कैसे करेंगे, बोलता है फर्स्ट स्टेज वुड बी द आइडेंटिफिकेशन और असर्टेनिंग द पर्सन और पर्सन्स हु एक्चुअली मेक्स द की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस, एंड सेकंड स्टेज कि वो लोग कहां से उस डिसीजन को ले रहे हैं, कौन से लोग हैं जो की डिसीजन ले रहे हैं और वो लोग कहां से लेते हैं, वो डिसीजन कहां इंप्लीमेंट होता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मान लो मैं यहां दिल्ली में बैठा बैठा डिसीजन लेता हूं अपने बैंगलोर ब्रांच के लिए, ले सकता हूं, तो मैं डिसीजन कहां से ले रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, वो डिसीजन किस स्टेट और किस सिटी के लिए ले रहा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द प्लेस वेयर द मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन वुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन द प्लेस वेयर सच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ POEM, इट इज द सब्सटेंस दैट इज वुड बी अ कॉन्क्लूसिव रेदर देन फॉर्म। तो ये लाइन एक पंच लाइन है, क्या प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ढूंढने के लिए हम जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास और फिर देखते हैं कि भाई उसके पास तो मैनेजमेंट का पावर ही नहीं है, तो हम पावर किसका पास है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि वो डिसीजंस कहां से बैठ के ले रहे हैं, इंडिया से बैठ के ले रहे हैं या बाहर। मान लो सिंगापुर की कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिनके पास मैनेजमेंट पावर नहीं है, कुछ और लोग हैं से कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के जो कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिया के तो नहीं है ना, इंडिया में तो हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कहेंगे ना। डायरेक्टर मीटिंग इंडिया में हो रही है, सर रेसिडेंट बनने के लिए मेजोरिटी मीटिंग्स इंडिया के बाहर हो, अब वो सिंगापुर में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या कनाडा में हो क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में नहीं होना चाहिए। सर डिसीजन होल्डिंग कंपनी ले रही है मान लो, लेकिन वो होल्डिंग कंपनी इंडिया की नहीं होनी चाहिए, अगर इंडिया की है तो यहां कह ही तो रहा है, अगर इंडिया की होल्डिंग कंपनी और इंडिया के लोग डिसाइड कर रहे हैं देन द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शैल बी कंसिडर्ड इन इंडिया। तो सर इस पॉइंट का कुछ खास यूज नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ये वही बात को रिपीट कर रहा है,
ये आठवां नंबर पॉइंट इसी बात को, इस बात को खासकर रिपीट कर रहा है, तो यू मे इग्नोर एट्थ नंबर पॉइंट यू मे इग्नोर। इस पॉइंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, केस स्टडीज आती है तो ये कोट करना पड़ सकता है। केस स्टडीज वाले क्वेश्चन अगर आते हैं, एग्जाम्पल सभी हैं हमारे पास आगे, वहां से क्लियर हो जाएगा, हम वहीं तैयारी कर लेंगे, यहां से तैयारी नहीं करेंगे। हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वहां पर इस पैराग्राफ का यूज हुआ है तो उसकी तैयारी वहीं से कर लेंगे। पढ़ तो लिए ही है यहाँ पे, इस पेज में हमें कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं याद रखना है, आगे जो याद रखना है वो क्वेश्चन में कवर हो जा रहा है। एक दो एग्जाम्पल है हमारे पास इससे रिलेटेड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेट असाइड करना है या नहीं करना है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फॉलोइंग सम रूटीन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेड ऑफिस इन इंडिया। नहीं करना है सेट असाइड। मेरा सिंगापुर में सब्सिडरी है और कुछ रूटीन इंफॉर्मेशन मैं उसको दे रहा हूं जो सभी सब्सिडरीज को मैं देता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि सिंगापुर की कंपनी के डायरेक्टर्स यूजलेस हैं, डमी हैं फॉर टैक्स इवेजन के लिए, ऐसे समझिए। आइए सर, सम ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। सर ये जो अब सम ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स बोल के चालू हो रहा है ना, बड़ा बोरिंग सा है। पेज नंबर 4, 5, 6 मेनली इसमें बात हो रही है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो डिसीजंस ले रहे हैं, की डिसीजंस, वो मीटिंग्स आज के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो जाती है, ईमेल के थ्रू भी हो जाती है, फोन पे भी हो जाती है, या मिल के भी होती है, हेड ऑफिस में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो एक लाइन है हमारे पास, पंच लाइन, एक तो पंच लाइन हमने क्लियर कर ली, कौन सी, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, चार पॉइंट्स पे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। सर बोर्ड मीटिंग बाहर हुई है लेकिन उसका ईमेल के थ्रू पहले ही अप्रूवल हो चुका और ईमेल सारे सर्कुलेट हुए इंडिया के डायरेक्टर्स के पास और डिसीजन इंडिया में लिए गए, तो हम कैसे मानेंगे कि बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हुई है। तो ये तीन पेज ना एक ज्ञान गंगा चल रहा है, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। इसका कोई वैल्यू एडिशन तो है नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे जरूर। फोर फाइव सिक्स सेवन रीडिंग पर्पस ऊपर में लिखिए, 4, 5, 6, 7 रीडिंग पर्पस 7 तक। पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 रीडिंग पर्पस के लिए, ठीक। अब इसी को एग्जांपल्स के थ्रू यूज किया गया पेज नंबर 8 में और पेज नंबर 9 में, दैट इज इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9 की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है फिर, ठीक। पेज नंबर 10 इग्नोर करेंगे हम लोग पढ़ने के बाद, इग्नोर करेंगे। 11 पे एक सेक्शन है, पढ़ लेंगे क्या कहता है और फिर एग्जांपल्स है। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको पढ़ाने से पहले, पेज नंबर 4 पढ़ाने से पहले, 4, 5, 6 व्हाटएवर, मतलब आपको लगे कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर कैसे ऐसे रीडिंग पर्पस के लिए बोल रहे हैं, तो एक बार चलते हैं पीछे के क्वेश्चंस में, क्या वो हमसे बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं। उसके बाद एक घंटा वापस आ जाएंगे रीडिंग में। रीडिंग सुननी है, इग्नोर मत कर देना। ऐसा नहीं करना कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं और आप एक घंटा आगे पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं करना। वो सुनना, लेकिन वो ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं देगा, सुनना जरूर है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें से साफ साफ नीचे लिख रहा है कि 7 बोर्ड मीटिंग्स में से 4 बाहर हुई है। तो जो बोर्ड मीटिंग्स किसको बोलते हैं वो भी पढ़ना बाकी है, लेकिन अब उस पर तो कुछ बहस हो ही नहीं रही। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारी 7 बोर्ड मीटिंग में से 4 बाहर हुई है, 3 इंडिया में हुई है। तो अभी जो 4 पेज पढ़ने वाले उसका कब इसमें कोई काम नहीं है। अब जो डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पर डिसाइड करना है कि इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं है। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तुम सिंगापुर की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो लेकिन तुम्हारे 55% शेयर इंडियन कंपनी होल्ड कर रही है। जो तुम्हारी सिंगापुर की कंपनी है उसका कुछ प्रेजेंस इंडिया में भी है, यानी उसके इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, ब्रांच है। तो अब सिंगापुर कंपनी सिंगटेल, ये जो सिंगापुर की कंपनी है सिंगटेल लिमिटेड, उसके इंडियन एसेट्स, इंडियन इनकम, सिंगापुर के एसेट्स, सिंगापुर की इनकम के बारे में कह रहा है। सर ये डेटा सिंगटेल लिमिटेड सिंगापुर कंपनी का है, गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड का नहीं है। आप सोचेंगे कि सर ये इंडिया वाला डेटा गोदावरी का है और ये सिंगापुर वाला डेटा सिंगटेल का है, तो नहीं। सिंगटेल लिमिटेड हैज इट्स प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो, होल्डिंग कंपनी है इंडियन, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरी ऑफिस जो है, मैं सिंगापुर की कंपनी हूं और मेरा इंडिया में भी ऑफिस है, और उसका डिटेल्ड ये है, ऑल
इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सिंगटेल लिमिटेड इंडियन ऑफिस एंड सिंगापुर ऑफिस, ऐसे कीजिए, इंडिया ऑफिस सिंगापुर ऑफिस, बोथ आर ओन्ड बाय, यहां दे रखा है सिंगटेल लिमिटेड। गोदावरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहां नहीं है। सिंगटेल लिमिटेड की एक ऑफिस सिंगापुर में है, दूसरी ऑफिस इंडिया में है। अब एसेट्स, इनकम, पेरोल के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड सैलरी दे रखी है। हमें क्या डिसाइड करना है? पैसिव इनकम 50% और उससे कम होना चाहिए, एक। इंडिया के एसेट्स की वैल्यू 50% से कम, नंबर ऑफ एम्प्लॉई 50% से कम एंड पेरोल एक्सपेंडिचर 50% से कम। तो ओवरऑल देखना है कि अब जैसे यहां पर है एसेट्स में, देखिए एसेट्स में फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा है, 120 और 80 इंडिया में ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ फिक्स एसेट्स तो नहीं देखेंगे, हम फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स और अदर एसेट्स जोड़ेंगे। 120 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 200 प्लस 120, यानी इसको कीजिए आप ऐसे कीजिए, 120 प्लस 50 प्लस 40, इसका टोटल कीजिए 210 लिखिए, 210 करोड़ के एसेट्स इंडिया में है, और 80 प्लस 200 प्लस 120 400 करोड़ के एसेट कहां है? सिंगापुर में। 400 प्लस 210, 610 में से 400 ऐसे जोड़ना है। बोला सर 400 करोड़ इंडिया में सिंगापुर में है, उसका 50% 200 और 200 से ज्यादा इंडिया में है, तो सर इसका पीओएम इंडिया में नहीं, 400 प्लस 210 पूरे ग्रुप का एसेट कितना हुआ? 610, 610 में इंडिया में कितना है? मात्र 210, तो 50% से कम है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। नीचे देखते हैं, एक कंडीशन सेटिस्फाइड, पहले तो इन्होंने पैसिव इनकम का कर दिया है, हम चलते हैं एसेट्स पे। ये देखिए 210 इंडिया में है और 400 सिंगापुर में है, टोटल 610 में से इंडिया में 210 है, जिसका परसेंटेज 34 आ रहा है, तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाइड कि हमारे एसेट की वैल्यू 50% से कम है। चलिए सर उसके बाद इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन, ये एक्टिव इनकम है, ये एक्टिव इनकम है। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज इज मेड फ्रॉम एसोसिएटेड, परचेज किया है, सेल भी करना था आपको, सिर्फ परचेज किया एसोसिएटेड से, एक्टिव इनकम आएगी, ये पैसिव इनकम में नहीं आएगी। सेल किया है, ये भी एक्टिव इनकम आएगी। पैसिव इनकम ये रही, इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल्स आर फ्रॉम एंड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ये पैसिव इनकम है, 10 प्लस 5 दोनों। आंसर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 20 और 15, ये भी पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम कितनी हो गई? 15 और 35, 50 हो गई। लिखिए 5 प्लस 10, 20 प्लस 15, टोटल 50 हो गई पैसिव इनकम, ठीक। और अब टोटल इनकम कितनी है? तो 25, 50, 2, 4, 3, 5, 5, 10, 10, 15, ये हो गई आपकी टोटल इनकम। अब पैसिव इनकम और टोटल इनकम का रेशियो देख लो। सर टोटल इनकम इंक्लूड्स पैसिव इनकम ऑल्सो, जब रेशियो निकालेंगे तब। तो यहां पर पैसिव इनकम कितना दे रखा है? टोटल इनकम 110 करोड़ है, तो 110 करोड़ आई, 25, 30, 35, 55, 105, 105, ठीक है। द टोटल इनकम ऑफ सिंगटेल लिमिटेड 110 करोड़ है, 25 प्लस 50, कुछ मिस हो रहा है, हाँ सॉरी, द एबव फिगर इंक्लूड्स, सर ये जो 2, 3 और 5 है ये 25 के अंदर है, और ये जो 4, 5 और 10 है ये इस 50 के अंदर है, इसको हाईलाइट कीजिए, द एबव फिगर इंक्लूड्स, यानी 25 प्लस 20, 45 प्लस 15, 60 प्लस 50, 110 है टोटल इनकम। इसमें से पैसिव इनकम कितनी है? ये वाली 5 और 10, 15 और 15, 30 और 20, 50, तो 110 है टोटल और उसमें मात्र 50 यानी आधे से कम है। टोटल इनकम 110 है और पैसिव इनकम 50 है, परसेंटेज 50 से कम हो गया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड पैसिव इनकम वाला। और नंबर ऑफ एम्प्लॉई 70 और 90, 160 में 70 यानी आधे से कम, ये भी सेटिस्फाइड। पेरोल एक्सपेंडिचर 8 और 12, 20, 20 में से आधा से कम 8,
तो सर हमारे जो चारों पॉइंट थे फेवरेबल है, खाली आपको ध्यान रखना है आपके चार पॉइंट याद रखने हैं। सर पेरोल एक्सपेंडिचर का रेशियो 8/20, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो 70/160, पैसिव इनकम है ये 5, 10, 15 और 20, ठीक, और एसेट में से इंडियन एसेट्स बेसिकली कितने हैं 210। तो इस तरीके से रेशियोज हमारे फेवर में आ गए एंड मीटिंग्स भी हमारे फेवर में है, इसलिए अल्टीमेटली इसका पीओएम इंडिया में नहीं है एंड फाइनल आंसर नॉन रेसिडेंट। तो ये अब प्रेजेंटेशन आपको खुद देखना है, मेरा काम एक्सप्लेन करना है। सर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपका 8 या 12 तक आराम से जा सकता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बनता है या नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे एनालाइज कीजिए। बोर्ड मीटिंग्स आधे से अधिक बाहर होनी चाहिए और चार पॉइंट है, एक इनकम से रिलेटेड, एक एसेट से रिलेटेड, एक एम्प्लॉय के नंबर से रिलेटेड और एक पेरोल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, बनाइए, वर्किंग कीजिए थोड़ी सी खुद से। कोलंबो की कंपनी है, 60% हेल्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी है। बोला सर तो हम सीधा रेसिडेंट कह दें? नहीं, हम पीओईएम देखेंगे इसका इंडिया में है या नहीं है। इसका प्रेजेंस इंडिया में भी है, कोई बात नहीं। सर ये लाइन कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइन से, 60% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय प्राइवेट कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी। सर मेरी होल्डिंग कंपनी इंडिया में है इसीलिए मैं भी रेसिडेंट बन जाऊं, मैं एक कंपनी हूँ श्रीलंका में इनकॉर्पोरेटेड और मेरी होल्डिंग कंपनी इंडिया में है। सर होल्डिंग सब्सिडियरी के अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी होल्डिंग कंपनी इंडिया की इसलिए मैं इंडिया में रेसिडेंट हूँ, ऐसे नहीं होता। इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए आप प्रूफ कीजिए कि मेरी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में हो रही है और मेरा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, और या फिर कोई एक चीज, अगर मेरा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है लेकिन बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में हो रही है तब भी मैं फंस जाऊंगा। अच्छा, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होने के लिए चारों पॉइंट्स मेरे फेवर में होने चाहिए। तो चलिए फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और अदर एसेट्स, वही रेशियो भी करना है 90, 40, 130 और 130 प्लस 30, 160। इंडिया में एसेट्स 160 है, डिवाइड बाय, अब देख लीजिए कितना आ रहा है, शायद 500 के आसपास आ रहा है, शायद एसेट्स की वैल्यू 500 के आसपास आ रही है टोटल, और इंडिया में 160 है, रेशियो हमारे फेवर में है 32%, रेशियो हमारे फेवर में है 32%। नंबर ऑफ एम्प्लॉई हमारे यहां फेवर में है, देख लेते नीचे और क्या इंफॉर्मेशन है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग, ये पैसिव इनकम है, 30 प्लस 13 पैसिव इनकम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इनकम हो गया, देख लीजिए कितना, ये चारों टोटल इनकम है, चारों टोटल इनकम है और इसमें से पैसिव इनकम 43 है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सर एक चौथा एलिमेंट दिया ही नहीं है, पेरोल एक्सपेंडिचर्स, तो एजम्पशन लेके बनाना पड़ेगा कि एज्यूमिंग पेरोल एक्सपेंडिचर्स कितना है, लेस देन 50% इन इंडिया, क्योंकि इसमें पेरोल एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कहता है पीओएम पर्पस स्टेट वेदर द कंपनी इज एंगेज्ड एक्टिवली बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ऑपरेशन इन इंडिया मोर मैन पावर इज नीडेड, 30 मोर एम्प्लॉय मे बी रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड, द कंपनी कैन आइदर take these employees directly on its payroll or can outsource the increased operation to an external agency which will engage 15 employee. Sir, तुम अपना employee रखो तब भी वो Indian employee कहलाएगा, 15 employee को तुम hire करोगे दूसरे के through तब भी वो तुम्हारा ही employee, India का employee कहलाएगा, यानी India का number 40 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 55, अगर हम 15 employee वाला outsource agency से help लेंगे और 30 अपना employee रखेंगे तो 40 से बढ़ के 70 हो जाएगा। नोट फॉर एनी टेस्ट द एवरेज फिगर आर नीडेड, द सेम मे बी इग्नोर्ड, यानी एवरेज फिगर पे काम नहीं करना है, जो वहां पे रूल कह रहा था
कि हम एम्प्लॉय के लिए एवरेज लेंगे, इनकम के लिए एवरेज लेंगे। यानी एग्जाम में क्वेश्चन करते समय आप ये चीज वर्किंग नोट में लिख सकते हो कि पीओएम की कैलकुलेशन के लिए हमें एवरेज फिगर चाहिए होती है, हम एवरेज फिगर को इग्नोर कर रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन हो तब ना। सर फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर एंड लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो तो जरूर आप उसको यूज करना, एवरेज लेना। जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो कोई उपाय नहीं है। तो सर अगर मैं फिलहाल कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं करता हूं तो सारे पॉइंट्स मेरे फेवर में हैं और मैंने एज्यूम कर लिया है कि मेरा पेरोल एक्सपेंडिचर इंडिया में 50% से कम है। लेकिन अगर मैं 30 एम्प्लॉय इंडिया में और हायर करूंगा तो ये 70 हो जाएंगे, मेरा पीओईएम इंडिया में आ जाएगा, बाहर तो नहीं कहलाएगा। और अगर मैं 15 एम्प्लॉय हायर करवाता हूं एक्सटर्नल एजेंसी से तो 40 + 15 = 55, अभी भी मैं 50% से नीचे में हूं। तो यही सब चीज एक्सप्लेन की हुई, पहले प्रोविजन लिख दिया, उसके बाद कंडीशन वन पैसिव इनकम को जज किया, उसके बाद एसेट्स की वैल्यूज को जज किया, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को जज किया। सर अभी मैंने नए एम्प्लॉय हायर नहीं किए तो मेरे फेवरेबल में है, पेरोल एक्सपेंडिचर के लिए मैंने एजम्पशन ले लिया। अब मैं कहता हूं कि मैं 30 एम्प्लॉय हायर करता हूं तो क्या होगा, तो मेरा अनफेवरेबल परसेंटेज आ जाएगा। यानी अब मेरा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड नहीं हुआ तो अब मैं इसको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बाहर ले ही नहीं पाऊंगा। डायरेक्टर्स मीटिंग्स तो साइड कर दो, पहले आप एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया तो प्रूफ करो। नहीं कर पाए क्योंकि परसेंटेज 30 एम्प्लॉय को रखते ही मेरा बढ़ गया। ठीक, तो अब सर ये मेजोरिटी मीटिंग्स हमारे किसी काम की नहीं होगी। कॉन्सिक्वेंटली द ग्लोबल इनकम ऑफ द कंपनी वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैक्स इन इंडिया, वुड नॉट बी। इट मे बी नोटेड दैट द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी पासिंग एबीआई टेस्ट वुड बी प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया इफ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। लेकिन हाँ, आपने टेस्ट पास कहाँ किया है? आपने एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एबीओआई क्या है सर? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का टेस्ट पास करोगे तब ना। हाउएवर सच अ प्रिजम्पशन कैन नॉट बी मेड इफ द कंपनी डज नॉट फुलफिल। यानी आपको अल्टीमेटली इंडिया में ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपका परसेंटेज 30 एम्प्लॉय की हायरिंग से कितने पे पहुंच गया, 53। जैसे ही 53 पे पहुंचेगा यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया और आप टैक्स बेनिफिट एनआर का नहीं ले पाएंगे। सर 15 एम्प्लॉय रखते हैं तो क्या होगा? 15 एम्प्लॉय काउंटिंग में आएंगे लेकिन परसेंटेज आपके फेवर में होगा क्योंकि 40 + 15 = 55 होते हैं, बाहर आपके 60 हैं, तो ओवरऑल इंडिया में 50% से कम ही रहेंगे। तो बेटर है 30 एम्प्लॉय खुद ना रख के आप 15 एम्प्लॉय का एक्सटर्नल एजेंसी से रख लीजिए। 15 एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रेक्चुअल आ रहे हैं काउंटिंग तो होगी, परसेंटेज आपके फेवर में होगा, आप एनआर बने रहेंगे। सर यही पूरा समझा रहा है, मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है उस चार पॉइंट की उस वर्किंग पे। ईजी है मेरे हिसाब से पीओईएम के क्वेश्चन करने। हमारी जो टेस्ट सीरीज है टेलीग्राम चैनल पे, 10 टेस्ट सीरीज है आज के दिन टेलीग्राम चैनल पे, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 10 सीरीज ऑलरेडी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 10 सीरीज में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पीओईएम के हैं ऐसे ही, जिसको आप बना सकते हो। ठीक है, पीओईएम के क्वेश्चन आप सर्च करोगे टेस्ट सीरीज बोल के, प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट बोल के आप सर्च करोगे तो वो एक ही, मतलब मैंने 10 फाइलें अलग अलग शेयर कर रखी हैं टेलीग्राम चैनल में, फाइल मेनू में जाके देख लो या सर्च कर लो प्रैक्टिस बोल के, 10 सेट का एक एक मैसेज भी मिलेगा जिसमें लिंक दिए हुए रहेंगे 10 सेट के। लास्ट में मैं बुक भी पीडीएफ भी बना के उसके शेयर कर दूंगा बाद में, लास्ट में जब मेरा 20-25 सेट बन जाएगा तो मैं इसका एक पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप उस अलग अलग टेस्ट की पीडीएफ से बना सकते हो। फाइल मेनू में जाओगे तो आपको पास्ट में 2 महीने पहले 3 महीने पहले के टेस्ट शेयर किए हुए दिखेंगे उसके। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 ऐसे करके दिखेंगे। तो चलिए सर हमारे ये दोनों क्वेश्चन तो बन गए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है जो हमने क्लास में किया, थोड़ी सी वर्किंग है, लिखने का तरीका है, पैसिव इनकम का डेफिनेशन यूज करना होगा, चारों पॉइंट को लिखना होगा। मैंने ऑलरेडी पैसिव इनकम बोला है आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा पैसिव इनकम क्या होता है। ठीक, और उसके बाद ये सिचुएशंस ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, और यहाँ एजम्पशन है कि पेरोल एक्सपेंडिचर्स के बारे में तुमने नहीं कहा है तो मैं ज्यूम कर रहा हूं कि पेरोल एक्सपेंडिचर्स इंडिया में लेस देन 50% है। सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, यानी चारों पॉइंट आपके फेवर में होने चाहिए, प्लस आपको प्रूफ करना होगा कि आपकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग्स कहाँ हो रही है, इंडिया के बाहर,
तो आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर माना जाएगा, फाइनल आंसर नॉन रेसिडेंट होगा, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अगली क्लास, एक क्लास दे देते हैं आपको। अगली क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, पीओईएम का प्रैक्टिकल तो कवर हो गया।